राम हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरे गुरु का पद्म सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे थायों के प्रणाम। गतकाले हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की महिमा। श्रीमद् भागवत इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होकर विराजमान है जिसकी महिमा साक्षात स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन की गई है। यदि हम विचार करकर देखेंगे इन 18 पुराण में से सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को बताया। श्रीमद् भागवत कहा है महापुराण, श्रीमद् भागवतम महापुराणम। श्रीमद् भागवत को महापुराण कहकर जब संबोधित किया गया है और इसकी महिमा दो दो पुराणों में वर्णन की गई है, किंतु वेदव्यास जी ने यह ग्रंथ सबसे अंतिम में रचना करी। अभी प्रश्न उठता है कि यदि कोई ग्रंथ बाद में रचना हुआ है तो उसकी महिमा पहले से कैसे वर्णन की जा सकती है। अरे किसी व्यक्ति का जन्म होगा, जन्म होने के बाद में वो कुछ ऐसा प्रतिष्ठा कार्य करेगा तब जाकर तो उसकी महिमा सर्वत्र प्रकाशित होगी। लेकिन स्कंद पुराण पद्म पुराण उसके अंदर तो भागवत की महिमा पहले से कैसे लिख दी। तब उसका उत्तर देते हैं कि भागवत ग्रंथ नित्य है। ऐसा नहीं कि वेदव्यास जी ने जब रचना करी तब ही जाकर वह प्रकाशित हुआ। भागवत ग्रंथ नित्य है, जिस प्रकार भगवान वे नित्य हैं, किंतु जब जब धर्म की हानि होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, मारहि असुर रम अभिमानी, मारहि असुर रम अभिमानी, तब तब प्रभु लेकिन अनेक अनेक अवतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत भी नित्य ग्रंथ है, लेकिन केवल मात्र जब इस धरा धाम पर वेदव्यास जी के माध्यम से उसका प्रकाशन हुआ है। इसीलिए स्कंद पुराण के अंदर कल हमने श्रवण किया था पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत की महिमा। आज हम स्कंद पुराण के अंदर जो भागवत की महिमा वर्णन की गई है उसका श्रवण करेंगे। कहते हैं पंच पांडव और माता कुंती वो हस्तिनापुर में बड़े सुखद पूर्वक निवास कर रहे थे। लेकिन माताएं आगे बैठकर ही बात करने लग जाती हूँ। भगवान कृष्ण जब ये धराधाम छोड़कर निज धाम को चले गए, ये खबर जब श्री कुंती महारानी को सबसे पहले प्राप्त हुई, वो अत्यंत दुखी होकर वहां पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण विहीन प्राण रखने का वहां कोई लाभ नहीं ऐसा मानकर, क्योंकि पंच पांडव और मैया कुंती कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी, ये संवाद सुनने के साथ साथ ही मैया कुंती ने तो अपना शरीर त्याग दिया। पंच पांडव भी अभी स्वर्गारोहण के लिए चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचनराम को बना दिया श्री ब्रज का राजा और परीक्षित महाराज को बना दिया हस्तिनापुर का राजा,
और पंच पांडव भी अभी स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। अभी परीक्षित महाराज और बज्रनाथ ये दोनों ही ब्रज के और हस्तिनापुर के राजत्व संभाल रहे हैं। एक समय परीक्षित महाराज साक्षात मिलने आए हैं बज्रनाथ से ब्रज धाम में, और ब्रज धाम में आकर बज्रनाथ के कुशल मंगल उनकी खबर पूछते हैं, सब ठीक ठाक है ना। परीक्षित महाराज का ऐसा प्रश्न सुन के और बज्रनाथ कहते हैं कि सब ठीक कैसे रह सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर थे उनके चरण स्पर्श प्राप्त करके पृथ्वी भी आनंदित थी, उनके दर्शन करके समस्त ब्रजवासी ये त्रिभुवन आनंद मग्न था, लेकिन अब जब प्रभु ये धराधाम छोड़कर निज धाम को चले गए हैं, यहाँ ब्रज में तो एक पशु पक्षी पतंग कुछ भी तो देखने को नहीं मिलता। भगवान जब जाते हैं सब अपने धाम को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान जिस प्रकार अपने धाम को लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, जाते वक्त सब लेकर चले जाते हैं, इस ब्रज धाम में तो कोई कीट पतंग पशु पक्षी कोई भी तो देखने को नहीं मिलता। मैं राजा हुआ हूँ लेकिन राजा की शोभा तो प्रजा से होती है, और ब्रज में तो कोई प्रजा भी नहीं। भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, मैं किस प्रकार का राजा, मेरा जी मन, मेरा मन अत्यंत दुखी है, मैं सुखी नहीं। तब उस समय पर परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम दुखी न मत हो, हम सांडिल्य ऋषि के पास में जाएंगे, सांडिल्य ऋषि निश्चित रूप में तुम्हें इस ब्रज का गूढ़ तत्व तुम्हें समझा पाएंगे। अभी दोनों लोग गए हैं सांडिल्य ऋषि के पास में। सांडिल्य ऋषि बज्रनाथ के मन की अवस्था देखकर समझ गए और उन्हें ब्रज के तत्व को समझा रहे हैं। सांडिल्य ऋषि कहते हैं शुणुतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरिति युक्ता व्यापना ब्रज उच्यते। सांडिल्य ऋषि कहते हैं शुणुतम दत्त चित्तों में, बहुत ध्यान से अपने कर्णों को मेरे सामने प्रस्तुत करके श्रवण करो। परीक्षित और बज्रनाथ के लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रज का तत्व साधारण रूप में समझ में आना नहीं। कहते हैं ना ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को चीला, यहाँ पे ऋषि मुनि गए हार। तो ये ब्रज के तत्व को समझना इतना सहज नहीं है। साक्षात सांडिल्य ऋषि वर्णन कर रहे हैं शुणुतम दत्त चित्तों में ब्रजनम ब्रज भूमि जब, अरे सर्वत्र जो विराजमान है ब्रज धाम को साधारण नहीं, कोई साधारण धाम नहीं। कैसा धाम है? बोले सब सर्वत्र जो विद्यमान है, सर्वत्र जो विद्यमान है ऐसा है ब्रज धाम। सदानंदम परम ज्योति भोक्ता नाम परमद्वयम्, ये ब्रज धाम ऐसा धाम है। देखने पर ऐसा लगता है कि भगवान इस धाम को छोड़कर अपने धाम में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सांडिल्य ऋषि कहने लगे भगवान की दो प्रकार की लीला होती है। क्या? बोले कृष्ण यद्यपि आत्मा राम है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणादसो आत्मा राम तया प्रोक्ये प्रोच्यते गुणवेधिभि। सांडिल्य ऋषि वर्णन करते हैं कि कृष्ण यद्यपि आत्मा राम है लेकिन उनकी आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बाम पास में जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं होती तब तक कृष्ण का भी कोई मूल्य नहीं। राधा के बिना कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण आधा है, कृष्ण आधा है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आत्मा स्वरूप है। वो आत्मा राम होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के साथ में निवास करते हैं, और कृष्ण इस धराधाम से गए नहीं। कृष्ण की दो प्रकार की लीला है, द्वैविधम लीलेन तस्य वास्तविक की व्यवहारिक की, दो प्रकार की लीला। कैसी कैसी? बोले एक है वास्तविक लीला और एक है व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला क्या है? बोले भगवान अपना धाम छोड़ के इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, यहाँ पर उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं करी, ब्रज गोपियों के घर में जा जाकर माखन चोरी किया, सखाओं के साथ में खेल कूद किया, असुर मारण की लीला भी करी, और अंतिम में 16,108 विवाह किए, उनसे उनका वंश विस्तार हुआ, और अंतिम में ब्राह्मणों के श्राप को ग्रहण करके और निज धाम को चले गए हैं। ये है उनकी व्यवहारिक लीला, व्यवहारिक लीला। लेकिन एक भगवान की वास्तविक लीला भी है। वास्तविक लीला क्या है? बोले कृष्ण कभी भी ब्रज धाम छोड़कर जाते नहीं, कृष्ण सर्वत्र ब्रज धाम में निवास करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि,
मैं तो वृंदावन छोड़ के ब्रजधाम छोड़कर एक पैर भी बाहर नहीं रखता, मैं तो सब समय वहां निवास करता हूँ। अगर आप हमारे संप्रदाय के कुछ संतों के चरित्र को श्रवण कर देखेंगे, कितने ही ऐसे प्रमाण हैं जहाँ पर ठाकुर साक्षात उनसे बात करते थे। आप लोग वृंदावन गए हो, वहां मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? मदन मोहन जी, इनके विषय में श्रवण करो। मदन मोहन जी जो गुरु पूर्णिमा गए ना दो दिन पहले, गुरु पूर्णिमा का दिन जो सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े संत थे, सनातन गोस्वामी, उनकी तिरुभाव तिथि थी, ये ही इन मदन मोहन के यहाँ पर रहते थे। ये सनातन गोस्वामी का क्या नियम था, ये प्रत्येक दिन रहते थे वृंदावन में, लेकिन जाते थे हर दिन गोवर्धन में परिक्रमा करने। उस समय पर तो कोई गाड़ी घोड़ा कुछ था नहीं, पैदल पैदल जाते थे गोवर्धन, वहां पर 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करके फिर आते थे मथुरा। कहां पर? कहां पर? मथुरा। मथुरा में आकर वहां पर ब्राह्मण जो चौबे लोग थे उनके यहाँ भिक्षा करते थे, और भिक्षा करने के बाद में जो कुछ भी प्राप्त होता उसे लेकर आते वृंदावन। विचार करके देखो, वृंदावन से गोवर्धन प्राय 30 किलोमीटर पैदल जाना, फिर वहां पर 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा करना, फिर वहां से 8-10 किलोमीटर फिर मथुरा आना, और मथुरा से भिक्षा करके फिर वृंदावन अपनी भजन कुटीर में आ जाना। इतना उत्कट भजन, इतना कठोर भजन उस समय पर ये साधु करते थे। लेकिन समस्त ब्रजवासियों से इतनी प्रीति थी, सारे ब्रजवासी इनको बड़े बाबा कहकर मानते थे। किसी के यहाँ संतान जन्म हुई है, किसी के यहाँ शादी हुई है, किसी के यहाँ कोई दुख खबर क्यों ना हो, जैसी भी परिस्थिति हो, सनातन गोस्वामी सभी के पास जाकर और उनकी खोज खबर लेते थे। इतने मिलनसार स्वभाव था। जब इनका देहांत हुआ, जब इन्होंने शरीर छोड़ा, सारे ब्रजवासियों ने इनके विरह में दुखी होकर और अपना सर मुंडवा दिया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा जो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी का प्रत्येक दिन नियम था कि राज गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, वहां से मथुरा आएंगे और मथुरा में भिक्षा करके वृंदावन चले आएंगे। एक दिन जब मथुरा में भिक्षा करने के लिए गए थे, इन्होंने देखा एक चौबेन जो थी, चौबे जो चतुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं उनको बोलते हैं चौबे, और उनकी पत्नी को बोला जाता है चौबाइन। तो वो चौबाइन के घर में इन्होंने देखा कि कृष्ण साक्षात मदन मोहन जी उसके बेटे के साथ में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे थे ठाकुर जी। गिल्ली डंडा खेलते खेलते क्या हुआ, उस चौबाइन का बेटा जो सदना था वो हार गया। तो कृष्ण ने उसे घोड़ा बनाया, कृष्ण उसकी पीठ के ऊपर बैठकर और उसे चलने को कहने लगे। अभी फिर वापस खेल चालू हुआ, गिल्ली डंडा खेलते खेलते इस बार कृष्ण हार गए, और इस बार वो मदन सदना बोलने लगा, बोले अभी तुम घोड़ा बनो। लेकिन कृष्ण उस समय घोड़ा बनने को राजी नहीं हुए, भाग कर और अपने मंदिर में आकर विग्रह रूप में विराजमान हो गए। और बाहर वो जो खड़ा था चौबाइन का बेटा सदना, वो तो गाली दे रहा है, बोले गाली के आज भाग गया है, कल तेरे को दिखाऊंगा, कल तो मेरे साथ ही आएगा खेलने को, कल तुझे दिखाऊंगा। इस तरह से क्रोधित होकर वो गाला गाली कर रहा है, लेकिन भगवान बड़े मधुर रूप में उसको श्रवण कर रहे हैं। एक दिन सनातन गोस्वामी ऐसे भ्रमण करते करते जब आए हैं, ठाकुर जी की ऐसी लीला प्रत्येक दिन देखते, लेकिन एक दिन उन्होंने क्या देखा, ये जो चौबाइन है घर में खिचड़ी बना रही है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बना रही है। लेकिन कैसे बना रही है, गैस पर खिचड़ी चली हुई है, चूल्हा चल रहा है चूल्हे पर, और जो दातुन करती है ना, पहले के ब्रश तो होता नहीं था, नीम की डंडी से दातुन कर रही है, एक ओर से दातुन कर रही है और दातुन जो सीख है उसकी दूसरी ओर से खिचड़ी हिला रही है। अभी ये बात देखकर तो सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, बोले अम्मा तुम ये क्या कर रही हो? बोले खिचड़ी बना रही हूँ, रंधन कर रही हूँ, दोनों मेरे बच्चे, मेरे संतान, एक सदना और एक मदना, मदना अर्थात साक्षात मदन गोपाल, कृष्ण को अपने संतान के रूप में उसका लालन पालन करती थी, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी, अपने बालक के समान उसका पालन करती थी। बोले मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, उनको खिचड़ी खिलाऊंगी, खिचड़ी बना रही हूँ। अरे बोले तुम जिनको भोग लगाने जा रही हो वो कोई साधारण नहीं, अरे वो साक्षात भगवान है, भगवान का भोग रंजन करने के लिए थोड़ा शुचि रखा करो, स्नान ध्यान करके साफ वस्त्र पहनकर और उसके बाद में बनाया करो। बोले बाबा हमें तो पता नहीं था, आज तुम बता गए हो, कल से पालन करूंगी। बोले ठीक है। अगले दिन, पहले तो टॉयलेट वगैरह घर में होता नहीं था,
चौबेन ने क्या किया, घर के बाहर शौच क्रिया लिए गई है, यमुना स्नान किया, यमुना स्नान करने के आकर बाद में कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण किए, फिर जब रंदन कर रही है, अरे इतना झमेला करने में तो देरी हो जाएगी आज। लेकिन कृष्ण और उसका बेटा सदना ये दोनों रोने लगे हैं, भूख के मारे क्रंदन कर रहे हैं। बोले न जाने कहां से एक बाबा आया था, हमारी माँ को क्या शिक्षा देकर गया, सुबह से भूखे बैठे हैं। अरे रोज तो माँ रंदन करके जैसा होता खिला देती, हमारी भूख खत्म हो जाती, लेकिन आज ऐसी शिक्षा प्राप्त देकर गया है, हम यहाँ भूखे भूखे रो रहे हैं, माँ का नाना धोना खत्म नहीं हो रहा। जब कृष्ण को इस तरह से रोते हुए देखा, साक्षात सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हुए और जाकर उस अम्मा से कहने लगे, बोले देखो देखो अम्मा, कल जो मैंने कहा था ना, उस बात को छोड़ दो, उस बात को ध्यान नहीं दो, तुम जैसे रंदन करती हो वैसे ही करो, ठाकुर तुम्हारे हाथ से वो अपवित्र अवस्था में बना हुआ भोजन भी ग्रहण करते हैं। ये प्रेम की अवस्था है, देखिए ये है प्रेम की अवस्था। बोलो श्री मदन मोहन लाल की। मदन मोहन ठाकुर उसके संतान के रूप में वहां पर साक्षात प्रेम से, ठाकुर कभी भी खिचड़ी भी नहीं खाते, ठाकुर केवल मात्र प्रेम के भूखे हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ठाकुर जी ने दुर्योधन के 56 भोग परित्याग कर दिए, लेकिन साग विदुर कर खाई। विदुरानी केवल मात्र साग के पत्ते केले के छिलके खिला रही है, ठाकुर जी उसको भी बड़े धाम से आस्वादन कर रहे हैं। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन के मेरा जाने, दुर्योधन की वशीभूत होकर वो चौबान के घर में झूठा खाना भी खाते थे, उस चौबान के बच्चे के साथ में बहुत खेल भी करते थे। एक समय सनातन गोस्वामी जब भिक्षा करते करते उस घर में पहुंचे हैं, ठाकुर जी साक्षात कह रहे हैं, बोले कि आप मुझे अपने साथ में ले चलिए। सनातन गोस्वामी से कहते हैं, बोले बाबा मुझे अपने साथ में ले चलो। बोले क्यों, यहाँ तुम आराम से तीन समय भोजन ग्रहण करते हो, ये मैया तुम्हें बड़ा रंदन करके खिलाती है, मैं तो पक्कड़ बाबा हूँ, मैं तो कहीं से भिक्षा मांग लेता हूँ, थोड़ा सा चून जो मिला आटा मिला है उसी की गोली बना के और हाथ में दे देता हूँ, जैसे तैसे अपना पेट भर लेता हूँ, मेरे साथ चलोगे तो ये सब खाने को नहीं मिलेगा। ठाकुर जी कहने लगे, बोले चिंता नहीं, तुम जैसा खिलाओगे मैं वैसा खाऊंगा। बोले मैं तुमको उठाकर लेकर भी जा सकता, अगर मेरे साथ चलने की इच्छा है तो मेरे पीछे पीछे पैदल पैदल चलना पड़ेगा। बोले चिंता नहीं बाबा, तू जैसे ले जाएगा वैसे जाऊंगा, तू जैसे रखेगा वैसे रहूंगा, ठीक है चलो। सनातन गोस्वामी के साथ साथ आज इस चौपाई का घर छोड़ के मदन मोहन जी आ गए वृंदावन। भैया इसकी आवाज थोड़ी बढ़ाओ, वृंदावन आ गए हैं ठाकुर जी। और वृंदावन आकर वहां पर देखना आप, आज जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, भाई एक टीला था
उस टीले के ऊपर सनातन गोस्वामी ने एक झोपड़ी से बना दी, ठाकुर जी को वहां रख रहे हैं। और प्रत्येक दिन जो भिक्षा करने जाते हैं, भिक्षा से मिलता है थोड़ा सा आटा, नमक भी नहीं देते, उसी आटे की गोली बना ली, उसी को आग में दे दिया, कोई टिक्कड़ कोई ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और खुद खा ले रहे हैं। अभी मदन गोपाल जी की तो आदत है 56 भोग 36 व्यंजन खाने की। यशोमती माँ प्रत्येक दिन मक्खन खिलाती थी, मिठाई खिलाती थी, रबड़ी खिलाती थी। समस्त भक्त वजन जिनको 56 भोग खिलाते हैं, 36 व्यंजन खिलाते हैं, लेकिन आज उन्हें ठाकुर को सूखा टिक्कड़ खाना पड़ रहा है जिसके अंदर नमक भी नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे कि देखो सनातन, अरे और कुछ दे भले मत दे, लेकिन कम से कम थोड़ा सा नमक तो इसमें दे दिया कर। अरे सूखा तो गले से ही उतरता, इतना बेस्वाद निरस भोजन। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आज नमक मांग रहे हो, कल कहोगे थोड़ी सी सब्जी अचार ले आओ, परसों कहोगे माखन मिश्री ले आओ, अरे मेरे से ये सारा सब नहीं होगा। यदि ये सब खाना चाहते हो अपने आप व्यवस्था कर लो। बोले ठीक है। एक समय क्या हुआ, यमुना जी से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसके नमक का व्यापार था, वो नमक का व्यापारी एक बड़े जहाज के अंदर सब सामान वगैरह लेकर जब जा रहा था, उसी व्यापारी का जहाज यमुना जी में टकरा कर रुक गया। अभी कितना ही परिश्रम कर लो वो जा ही नहीं रहा, हिलने को राजी नहीं जहाज। उसी समय पर किसी ने कहा कि अमुक जगह पर तुम चले जाओ, वहां एक साधु है सनातन गोस्वामी नाम है उनका, उनसे जाकर प्रार्थना करो, बड़े प्रतापी हैं, हो सकता है वो कुछ कुछ कर दे। ये व्यापारी जब सनातन गोस्वामी के पास में आया है, कहने लगा इसी तरह से मैं जा रहा था, मेरे जहाज अटक गया है, आप ही कुछ कीजिए, मेरा नमक का व्यापार है। सनातन गोस्वामी समझ गए, बोले निश्चित रूप में इस काले ने कोई चक्कर चलाया है। बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ठाकुर से प्रार्थना करो और सब ठीक हो जाएगा। मदन मोहन जी को प्रार्थना करके जब वो व्यापारी वापस गए हैं, उनका जहाज संग संग में चलना आरंभ हो गया। और जब वो सामान बिक्री करके आए, इतना उनको मुनाफा हुआ, आज जो हम मदन मोहन जी का मंदिर देखते हैं, वही व्यवसायी वही व्यापारी ने बनाया था। उसी व्यापारी ने सब पैसा पत्र देकर ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बनाया, वहां पर ठाकुर जी की बड़े सुंदर रूप में सेवा होती है। बोलो श्री मदन मोहन लाल की। इसीलिए देखो ठाकुर जी प्रेम के कितने वशीभूत है। अगर ब्रजधाम में नित्य वास उनका नहीं होता तो क्या इस प्रकार की लीला करते, ठाकुर इस प्रकार की लीला करते नहीं। आप लोग सेवा कुंज निधिवन नाम सुना है ना, यहाँ पर जाकर यदि देखेंगे, आज भी संध्या होने के बाद में वहां पर बंदर तक भी नहीं रहता, बंदर भी नहीं रहते, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य को तो वहां से निकाल दिया जाता है, वहां के बंदर भी स्वाभाविक रूप में अपने आप वहां छोड़ के और बाहर चले जाते हैं। रात में ठाकुर जी के लिए वहां पर सुंदर फूलों की शैया बिछाते हैं, वहां पर पान की बिड़िया रखते हैं, लड्डू रखते हैं, पानी का लोटा रखते हैं, लेकिन जब सुबह मंगल आरती दर्शन होता है, जाकर कभी दर्शन करना सौभाग्य हो तो, वहां पर ऐसा लगता है कि रात में कोई यहाँ आया था, ये शैया के ऊपर विश्राम करके गया है। कभी पान आधा चबा हुआ मिलता है, कभी लड्डू नहीं मिलता, कभी पानी का लोटा आधा मिलता है। ठाकुर जी आज भी साक्षात उस ब्रजधाम में लीला करते हैं। इसीलिए वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। आप लोग झाड़ू मंडल देखा है वृंदावन धाम में, झाड़ू मंडल श्याम सुंदर जी, राधा श्याम सुंदर जी का नाम सुना है, राधा श्याम सुंदर जी जिनको इनको जिन्होंने प्रकाशित किया, श्री श्यामानंद प्रभु। ये श्यामानंद प्रभु आगे इनका नाम था दुखी, दुखी कृष्णदास ये, लेकिन जब ब्रजधाम में आए हैं, ब्रजधाम में आए थे श्री जीव गोस्वामी के पास में, बड़े पहुंचे हुए संत जीव गोस्वामी, उस समय पर इनके पास में जब आए हैं, गुरु जी बोले मैं आपके पास में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरु जी कहते देखो बेटा मैं शिक्षा तो प्रदान करूंगा, लेकिन जब तक सेवा नहीं करो तब तक मेवा नहीं मिलता है ना, सेवा करने पर मेवा मिलेगा, तो क्या करो जाकर ब्रजधाम के अंदर सेवा कुंज निकुंज मन जो है वहां पर झाड़ू लगाओ। ये ब्रजधाम कोई साधारण धाम नहीं, चिंता मणि प्रकर सत्कल्प वृक्ष अरे सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी इस ब्रजधाम में झाड़ू निकालती है। यहाँ के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, चिंतामणि, ब्रजधाम की मिट्टी चिंतामणि है, वृक्ष साक्षात कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो इच्छा पूर्ण कर देते हैं। गैया जो घूम रही है साक्षात सुरभि का भी, इसलिए ब्रजधाम की सेवा करो, नित्य प्रति यहाँ पर झाड़ू करो, मार्जन करो। अभी एक समय क्या हुआ, झाड़ू मारते मारते उसी झाड़ू मंडल के अंदर
श्रीमती राधा रानी को दर्शन देना चाहती हैं, उन्होंने अपने पैर का नुपुर छोड़ के चली गई। पैर का जो पायल होती ना, पायल का घुंघरू राधा रानी छोड़कर चली गई। राधा रानी जब छोड़कर चली गई, ये रोज नित्य प्रतिमा झाड़ू में रखते थे। एक दिन इनको जब नुपुर प्राप्त हुआ, स्वर्ण नुपुर, देखते ही अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने गुरुजी के पास में लेकर आए। बोले, गुरुदेव देखिए। बोले, क्या? ये नुपुर मुझे प्राप्त हुआ है किसी स्त्री का। बोले, इसे साधारण मत समझो, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए अपना नुपुर छोड़कर गई है। अगर कोई ये नुपुर लेने के लिए आए तो उसे कहना कि जो नुपुर जिसका नुपुर है उसी के मैं पहनाऊंगा, किसी को देना मत, सावधान, तुम्हें परीक्षा करेंगे, लेकिन किसी को देना मत। बोले, ठीक है गुरुजी। अगले दिन जब मार्जन करने के लिए गए हैं, ललिता विशाखा इत्यादि सखियां आई। बोले, बाबा तुमको यहाँ सफाई करते करते कोई नुपुर मिला है? हमारी घर की बहू यहाँ पूजा करने आई थी, पुष्प चयन करने आई थी, और उसका नुपुर हो गया। बोले, हाँ एक मिला तो है। बोले, दे दो, हमारे घर की बहू का है वो। बोले, जिसका नुपुर है मैं उसी के पैरों में पहनाऊंगा। बोले, तुम साधु होकर कैसी बातें करते हो? बोले, एक साधु हुए हो और स्त्री के पैरों में नुपुर पहनावे, तुम्हें लाज शर्म नहीं लगती? ललिता विशाखा ने जब इस प्रकार भय दिखाया, दुखी कृष्णदास के तो कहते हैं, बोले, नहीं, जिसका नुपुर है मैं उसी को दूंगा। बोले, देते हो तो चुपचाप दे दो, नहीं तो भैया को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। बोले, जो भी हो, जिसका नुपुर है उसी को मैं दूंगा। अगले दिन राधा रानी को स्वयं शिव ललिता विशाखा लेकर आई है। कहने लगे कि देखो, तुम्हारी आंखों पर हम पट्टी बांध देंगे, हमारे घर की बहू सबको दर्शन देती नहीं, लेकिन तुम उनके पैरों में बस नुपुर पहना देना, यही मात्र शर्त रखी। कृष्णदास की आंखों पर पट्टी पहना दी और वहां पर श्रीमती राधा रानी सामने साक्षात प्रकट हुई है। श्रीमती राधा रानी के पैरों में आज कृष्णदास नुपुर पहना रहे हैं, लेकिन मनी मन अत्यंत दुखी हो रहे हैं। बोले, हे स्वामिनी जी, इतनी दयालु आप, इतनी कृपालु हैं, लेकिन सामने प्रकट हो गई है और फिर भी इन आंखों पर ये पट्टी बंधी हुई है, क्या आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं देगी? आपके पैरों में नुपुर पहनाने के साथ साथ मैं आपके दर्शन भी करना चाहता हूँ। जब हृदय में ऐसी उत्कट भावना हुई राधा रानी के दर्शन की, उसी समय पर साक्षात राधा रानी ने उनकी पट्टी खोल दी। साक्षात श्रीमती राधा रानी के वहां पर दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो श्रीमती राधा रानी की, बोलो श्रीमती रघुवर सरकार की। श्याम जू की पायल की घुंघरू, राधे जू की पायल के घुंघरू, करत में बिखर गए, करत में बिखर गए, श्याम जो की पायल के घुंघरू, राधे जो की पायल के घुंघरू, करत में बिखर गए, करत में बिखर गए, श्याम जो की पायल के घुंघरू, राधे जो की पायल के घुंघरू।
श्याम सुंदर, बहुत सुंदर ठाकुर जी वहां पर है।
इसीलिए ब्रज में हमारे संप्रदाय में तो इतने प्रमाण हैं जिनको श्रवण करके पता लगता है कि हाँ ठाकुर जी की जो वास्तविक लीला है यही सत्य लीला है। वास्तविक लीला अर्थात ठाकुर जी अभी भी ब्रज धाम में नित्य विराजमान है, वहां पर सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हमें एक साधारण जादूगर के ऊपर विश्वास हो जाता है, थोड़ा कोई हाथ की सफाई दिया उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता, ब्रज धाम पर विश्वास नहीं होता, भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं होता, भागवत ग्रंथ में भगवान के नाम के ऊपर विश्वास नहीं होता। इतने दुर्भाग्य का विषय है कलयुग के अंदर भगवान नाम को देखकर श्रवण करके लोग कहते हैं नहीं भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं, हम भगवान को नहीं मानते। जितने जितने शिक्षा अर्जन करते जा रहे हैं आध्यात्म से अत्यंत दूर होते जा रहे हैं, ये बड़ा ही विडंबना का विषय है। ब्रह्मा जी जब श्री सानिध्य ऋषि इस प्रकार ब्रज धाम की महिमा गान कर रहे थे, कहते हैं कि दो प्रकार के ठाकुर जी की लीला है और अभी भी ठाकुर जी ब्रज धाम में निवास करते हैं, लेकिन दर्शन कैसे करोगे, दर्शन करने का भी कोई उपाय होना चाहिए ना। अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भाषते प्रेम पूर्णानां परमामुक्तद्वयम्। कहते हैं भाषते प्रेम पूर्णानां, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यदि ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हो ना, इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते, बोले हमारी आंखों के ऊपर पर्दा लगा हुआ है। जानते हो कौन सा पर्दा, जानते कौन सा पर्दा, हमारी आंखों पर माया का पर्दा, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सब गंदगी के कारण हम ठाकुर जी के दर्शन इन आंखों द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर जी के यदि दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति लगा दो। काजल लगाने से जिस प्रकार आंखों की रोशनी तेज हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार इन आंखों में यदि प्रेम रूपी काजल लगा दोगे तब जाकर ठाकुर जी का दर्शन होगा। साधन रूप में इन काम क्रोध से भरी हुई आंखों द्वारा ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। ठाकुर जी का दर्शन यदि इस तरह से कर भी लोगे तब भी कोई लाभ नहीं है। अरे रावण ने क्या राम का दर्शन नहीं किया था, किया था ना, क्या कंस ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, लेकिन काम क्रोध द्वारा हृदय भरीपूर्ण भरा भरा हुआ था, इसीलिए वो दर्शन का भी कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, हृदय में यदि प्रेम विराजमान हो, इन आंखों में यदि प्रेम रूपी काजल लगा हुआ हो, तब जाकर कृष्ण दर्शन भी लाभ होगा और कृष्ण की सेवा के लिए अंदर से वृत्ति भी जागृत होगी। इतना बलमा है हृदय में यदि प्रेम जागृत हो जाए। सानिध्य ऋषि कहने लगे कि तुम ब्रज धाम की सेवा करो, हे वज्रनाभ तुम ब्रज धाम की सेवा करो। ठाकुर जी ने जो विभिन्न जगह लीला स्थलियां जहां उनकी लीलाएं हुई है उन लीला स्थलियों को तुम प्रकाशित करो। काल क्रम से वो सारी लुप्त तो होती जा रही हैं, इसीलिए तुम विभिन्न लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित करो, उनका जीर्णोद्धार करो और एक समय साक्षात उद्धव जी से भेंट होगी और उद्धव जी तुम्हें कृष्ण के दर्शन करने में तुम्हें सहायक बनेंगे। अभी कृष्ण ने श्री वज्रनाथ जी ने इसी प्रकार किया। जहां पर आज के समय हम जहां पर बरसाना नंदगांव श्री गोकुल जितनी भी लीला स्थलियां हैं वहां पर साक्षात वज्रनाथ ने जाकर उनका जीर्णोद्धार किया। जहां पर जो लीला स्थली थी उस लीला के अनुरूप उनका नामकरण किया। जैसे आप यदि जाओगे खदीर वन एक स्थान है, ब्रज के अंदर 12 वन है, वो जगह का नाम है खायरे। खायरे क्यों, क्योंकि उस समय पर जब बकासुर आया था वो कृष्ण को पूरा निगल गया था, तो ब्रजवासी चिल्लाते हुए बोले लगे, बोले हमारे कृष्ण को खायो रे खा गया कोई रक्षा करो इस तरह से, इसलिए उस जगह का नाम हो गया खायो रे। और एक वहां पर आप देखोगे लीला स्थली का नाम है चिल्ली, चिल्ली एक गांव का नाम है क्योंकि ब्रजवासी ने चित्कार करके वहां पर रक्षा के लिए बुलाया था।
एक गांव का नाम है श्री परसों, परसों गांव। क्यों? बोले कृष्ण जब ब्रज से मथुरा की ओर जा रहे थे, ब्रजवासी उनके विषग्रह में अत्यंत दुखी हो रहे थे। कृष्ण कहने लगे, बोले चिंता नहीं, आज जा रहा हूँ, कल कृष्ण कंस को मारूंगा और परसों चलाऊंगा। तो इन परसों से गांव का नाम हो गया परसों। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर कुंड पोखर इत्यादि सब प्रकाशित किए, बहुत सारे विग्रह को प्रकाशित किया और ठाकुर जी की विभिन्न लीला स्थलियों को प्रकाशित करने पर उनके हृदय में थोड़ी सी शांति हुई। लेकिन एक समय में श्री मथुरा की जो सारी रमणियां थी, 16,108 पटरानियां, वो कृष्ण हृदय में अत्यंत दुखी हो रही हैं। कृष्ण जब धराधाम छोड़कर चले गए, वे अत्यंत दुखी हो रही थी। लेकिन उनके मन में विचार आया कि यमुना, ये कालिंदी, ये भी तो कृष्ण की पटरानी है, लेकिन इसके हृदय में कोई भी दुख नहीं। यमुना से प्रश्न करने लगी, बोले देखो कालिंदी, तुम भी कृष्ण प्रिय सी, हम भी कृष्ण प्रिय सी, हम लेकिन कृष्ण के हृदय में अत्यंत दुखी हैं, तुम्हारे हृदय में क्या कोई दुख नहीं? तुम तो अत्यंत आनंद से प्रभावित हो रही हो, कलकल नाद करते हुए, क्या तुम्हें कृष्ण का विरह नहीं सता था? यमुना महारानी उस समय पर कहने लगी, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा स्थिराधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहो अस्मान् संस्पृष्ट। श्रीमती यमुना महारानी कहने लगी कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य, श्रीमती राधा रानी है कृष्ण की आत्मा, और मैंने श्रीमती राधा रानी का दासत्व स्वीकार किया है, मैं उनके चरणों में शरणागत हो गई हूँ, इसीलिए राधा रानी की कृपा से मुझे पता है कि कृष्ण ब्रजधाम छोड़कर गए नहीं, वो अभी भी यहाँ पर विराजमान है, लीला कर रहे हैं। अगर आप लोग भी कृष्ण विरह से दूर होना चाहती हो तो राधा रानी की शरण लो। सभी उस समय पर आए हैं श्री उद्धव कुंड पर। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे, जब छोटी परिक्रमा हम आरंभ करते हैं, उसी समय पर उद्धव कुंड एक स्थान आता है। उस उद्धव कुंड पर उद्धव जी आज भी घास बनकर, पेड़ पौधा बनकर वहां पर तपस्या कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी, सारी द्वारका की महिषियां उद्धव जी वहां पर परीक्षित महाराज और बचनाब को लेकर उपस्थित हुई है, और वहां पर वो लोग कृष्ण कीर्तन करने लगे। कृष्ण कीर्तन करते करते क्या देखा, साक्षात वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए हैं। उद्धव जी प्रकट होकर कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, उन्मादित हैं, और तभी समस्त द्वारकावासी का दर्शन करके और प्रश्न करने लगे कि आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? महिषा कहने लगी कि कृष्ण विरह में हमें अत्यंत दुख सता रहा है, हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हैं। उसी समय पर उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ किया, क्योंकि उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए नहीं। जब कृष्ण अपने निज धाम को जा रहे थे, मैं वहां पर विराजमान था, मैंने भी कृष्ण से यही प्रश्न किया, बोले प्रभु आप जब भी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, मैं तो सब समय आपके साथ रहा हूँ, मैं आपको विरह कैसे सहन करूंगा? कृष्ण उसी समय पर कहने लगे कि देखो उद्धव, मैं एक स्वरूप में तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक स्वरूप में यहाँ रह भी रहा हूँ, एक स्वरूप में यहाँ रह रहा हूँ, वो क्या है? साक्षात भागवत ग्रंथ। उसी समय पर देखा गया कृष्ण के शरीर से एक ज्योति निकलकर और एक भागवत ग्रंथ में प्रवेश करी। प्रविष्ट अन्यम ग्रंथारण्यम श्रीमद् भागवतम्। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कृष्ण के हृदय से एक ज्योति निकलकर भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर गई। वर्णन कर रहे हैं कि बड़े बड़े मूर्तिकार आप लोगों ने देखे होंगे, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई कृष्ण, कोई क्या करेगा, लकड़ी की मूर्ति बनाएगा, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाएगा। बड़े बड़े सुंदर सुंदर शिल्पी देखे होंगे जो मूर्तिकारी में बहुत ही एक्सपर्ट निपुण है, लेकिन वेदव्यास जैसा मूर्तिमान देखोगे नहीं। वेदव्यास इतने निष्णात, इतने निपुण शिल्पी हैं जिन्होंने कृष्ण की शब्दमय मूर्ति बना दी, तेने वाममय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, साक्षात शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रकट किया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। जब साक्षात कृष्ण इस धाम से छोड़कर जा रहे थे, उसी समय पर प्राण प्रतिष्ठा करके, अर्थात यदि कोई कलियुग के अंदर ये भागवत ग्रंथ का श्रवण करे, ये भागवत ग्रंथ सुनना और कृष्ण से मिलना कोई अभिन्न वस्तु नहीं, एक ही है, वर्षी भागवत कथा अमृतम की। उद्धव जी ने उसी समय पर एक मास तक ये भागवत ग्रंथ का पाठ किया, और जब भागवत कथा संपूर्ण हुई, साक्षात राधा कृष्ण समस्त सपरिवार के साथ में वहां पर प्रकट हुए,
और ब्रजवासियों ने, सारे मथुरा की रमणियों ने कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण से उसी क्षण पर साक्षात्कार करके और उनका विरह शांत हुआ। इसीलिए ये भागवत की महिमा है कि भागवत ग्रंथ यदि कहीं पर पाठ हो उसका नियमित रूप में एक मन से यदि कोई श्रवण करे तो उनको कृष्ण दर्शन प्राप्त होगा। कृष्ण से मिलना, भागवत ग्रंथ श्रवण करना कोई अलग वस्तु नहीं है। पद्म पुराण इसीलिए वर्णन करता है, द्वादश स्कंद भागवत साक्षात कृष्ण ही है। पादो यदि यो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथितो यदुरु प्रथम और द्वितीय स्कंद कृष्ण के दोनों चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद कृष्ण के दोनों जानू प्रदेश उनके गुरु हैं, पंचम स्कंद कृष्ण का नाभि कमल, षष्ठम और सप्त स्कंद कृष्ण के दोनों भुजा हैं, अष्टम स्कंद उनका वक्षस्थल है, कंठस्थो राजन नमो यदियो, नवम स्कंद कृष्ण का कंठ प्रदेश और मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम। कृष्ण का खिलखिलाता हुआ मंद मंद मुस्कान करता हुआ ये श्रीमुख चंद्र दशम स्कंद है। एकादश स्कंद कृष्ण का ललाट और शिरो अपितु द्वादश एव भाति, द्वादश स्कंद साक्षात उनका मस्तक। इसीलिए द्वादश स्कंद समन्वित ये श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है, ये कृष्ण के साक्षात श्री विग्रह रूप में विराजमान है। इसका यदि कोई श्रवण करे तो कृष्ण के दर्शन निश्चित रूप में प्राप्त करेगा। श्री भागवत कथा अमृतम की इसीलिए उसके बाद में विशेष करके देखो हमारे लायक एक बात कही, भागवत की महिमा तो अत्यंत है उसको वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमें किस प्रकार भागवत सुननी है। इसीलिए वहां पर दो तरह के श्रोता बताए, ध्यान देकर सुनो, दो तरह के श्रोता है, एक है अवर एक है प्रवर, माने एक बहुत ही श्रेष्ठ कोटि जो अच्छे तरह के श्रोता होते हैं और एक घटिया माने निकृष्ट श्रोता। कौन कौन से बड़े अच्छे श्रोता है? चार तरीके के, सब ध्यान देकर सुनो, मैं बाद में प्रश्न करूंगा, ठीक है। अच्छे श्रोता है चार तरीके के, कौन कौन से बोले? सबसे पहले अच्छे श्रोता का उदाहरण दे रहे हैं चातक, चातक पक्षी देखा है ना भैया, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो। चातक पक्षी को आप देखोगे, चातक पक्षी क्या करेगा, वो कभी भी किसी नदी का, किसी सरोवर का, किसी कुएं का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी पानी पीता है जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है, तो उसी बारिश का पानी पीकर अपना जीवन यापन करता है वो, और कहीं पर मुंह नहीं मारता, कहीं पर पानी नहीं पीता। बोले यदि कोई श्रोता हो तो चातक जैसा होना चाहिए, इधर उधर कहीं मुंह नहीं मारना, भैया कथा सुनेंगे तो कृष्ण कथा ही सुनेंगे, संसार की इधर उधर की बहु बेटियों की बातों में व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे, हाँ कृष्ण कथा एकमात्र पान करेंगे। एक समय कोई चातक पक्षी नदी के किनारे एक पेड़ था उसके ऊपर बैठा हुआ था, एक बहेले ने उसको तीर मारा, जैसे तीर मारा तो वो मर गया और जब नीचे गिरने लगा, नीचे जब गिर रहा था लेकिन संग संग में उसने क्या किया, अपना मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए लेकिन मैं गंगा पानी नहीं पीऊंगा, किसी और सरोवर का पानी नहीं पीऊंगा। अर्थात श्रोता की ऐसी उत्कट लालसा होनी चाहिए कृष्ण कथा श्रवण करने की, हम सुनेंगे तो कृष्ण कथा ही सुनेंगे और कोई संसारी कथा हमारे कानों में जैसे ना पड़े, ठीक है। पहला श्रोता हुआ चातक, दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी देखी है ना सबने, एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। मक्खी देखना जाकर एक फूलों का बागान भी क्यों ना हो, लेकिन वो मक्खी क्या करेगी, जाकर कहीं पर जहां गंदगी है ना वहीं जाकर बैठेगी, जहां पर गंदगी रिश्ता जहां पड़ी होगी वहां जाकर बैठ जाएगी। लेकिन मधुमक्खी को देखना, बहुत गंदगी क्यों ना हो
लेकिन उन सब कांटों के बगीचे के बीच में भी यदि एक गुलाब खिला हुआ हो तो मधुमक्खी आकर वही बैठ जाती है ना। तो उसी प्रकार एक श्रोता को क्या करना चाहिए, बोले गंदी जगह पर अर्थात संसारिक कथाओं पर ध्यान न देकर, बहुत सारी मधुमक्खी देखना सार ग्रहण करती है ना, बहुत सारे कांटों के बीच में भी एक पुष्प से जाकर मधु संग्रह कर लेगी। ठीक उसी प्रकार एक श्रोता को भी सारग्राही होना चाहिए, सारग्राही होना चाहिए, इधर उधर के दोषों को ना देखकर कथा सुनने आए हैं, कथा केवल मात्र कानों में जाए, कथा रूपी मधु को पान करते करते जीवन तृप्त कर ली। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया मधुमक्खी। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं मछली। मछली देखिए ना, मछली की देखना, जब पानी में रहती मछली कभी भी पलक नहीं झपकाती, मछली पलक नहीं झपकाती, मछली एक टक्कर ही लगाकर जो जिस तरह से आंख खोलकर जगी रहती है, एक श्रोता को भी उसी प्रकार होना चाहिए, आंख खोलकर बड़े एक मन से वक्ता की कथा को एक मन से सुनना चाहिए, ध्यान देकर सुनना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बोले आंख बंद करके और सुनते हैं और थोड़ी देर में क्या होता है, आंख बंद और भाई नींद आ जाती है। यम महाराज की ये तीन बेटियां हैं, जुलजुलानी सुलसुलानी, इन सबसे सावधान रहना, कथा बैठनी सुननी है तो कैसे सुनेंगे, बोले आंख खोल कर टक्का की लगाकर मछली की तरह। ठीक है, और चौथा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, चौथा उदाहरण तोता। आप देखना तोता क्या करेगा, वो कभी भी किसी कच्चे फल में मुंह नहीं मारता, तोता सब समय देखना पके हुए फल में चोंच मारेगा। उसी प्रकार श्रोता को होना चाहिए कभी भी संसारिक रूपी कसेले फल में चोंच ना मारे, अगर श्रवण करना हो, अगर मुंह मारना हो तो कहां, बोले भगवान की अमृतमय कथा का पान करो। ठीक है, चार श्रोता याद रहेंगे, चातक, मछली, मधुमक्खी और तोता। ठीक है, और एक श्रेष्ठ श्रोता बताया है हंस। हंस देखना, अगर आप हंस को दूध और पानी दोनों मिलाकर दोगे तो वो क्या करता है ना, दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। एक श्रोता को हंस के जैसा होना चाहिए, बोले सार ग्रहण करो और असार वस्तु को छोड़ दो। ठीक है, ये हुए पांच तरह के श्रेष्ठ श्रोता। अभी कनिष्ठ श्रोता अर्थात घटिया श्रोता। घटिया श्रोता में सबसे पहला नाम आता है घुरुंड। ये पक्षी होता है, ये हिमालय में रहता है। ये पक्षी की क्या खासियत है, बोले इस पक्षी को आप जो भी कुछ कहोगे वो सुन लेगा, आप अगर पूछोगे प्रश्न करोगे तो उस आपको सुना भी देगा, लेकिन अपने जीवन में कभी पालन नहीं करता। बहुत सारे श्रोता देखना भागवत कथा में आएंगे, बहुत गर्दन हिला हिला कर सुनेंगे, बोले हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं, हाँ बढ़िया बात कही, खूब ताली बजाएंगे, लेकिन वापस जाते वक्त यहीं पे पल्ला झाड़ के और चले गए, जीवन में कुछ पालन नहीं करेंगे। बोले बाबा तुम्हारी कथा तुम्हारे पास में रखो, हम चले अपने घर। ना भैया, वो भुरुंड की तरह नहीं करना, अरे तीन तीन घंटा यहाँ आकर बैठ रहे हो, साधुओं के पास में आए हो, भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ठाकुर जी विराजमान हैं, उनके समक्ष बैठकर यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो उसे अपने जीवन में आचरण भी करना होगा, केवल मात्र इस कान से सुन के और इस कान से निकाल दिया ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए भुरुंड इसके तरह नहीं होना। दूसरा उदाहरण दिया ऊंट का। ऊंट को देखना आप, ऊंट को यदि आप कोमल कोमल पत्ते खाने को दोगे वो ऊंट नहीं खाएगा, कोमल कोमल पत्तों को नहीं खाएगा, देखेगा कांटा कहां पर है, कांटे के वृक्ष कहां पर है, जाएगा कांटे के वृक्ष में मुंह मारेगा और कांटे खाते खाते जब खुद के मुंह से रक्त निकलने लग जाता है उसी रक्त का आस्वादन करता है, वही खून पीते पीते उसे क्या लगता है, बोले देखो कांटे में कितना रस है, कांटा कितना रसीला है, जबकि अपना खुद का रक्त पान कर रहा है। कहते हैं श्रोता को इस संसारिक विषय रूपी रक्त के अंदर आस्वादन नहीं करना चाहिए। ये संसारिक विषय कैसे हैं? बोले वही रक्त के समान है। प्रहलाद महाराज तो इन संसारिक विषयों की बड़ी निंदा करते हैं। एक श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले निकृष्ट श्रोता ऊंट जैसा ना हो, संसारिक विषय में मुंह ना मारे, कोमल कोमल पत्ते रूपी कृष्ण कथा का आस्वादन करे, इसे हमें ऊंट की तरह भी नहीं होना, ये निकृष्ट श्रोता है। तीसरा उदाहरण दिया बैल का। बैल देखना, बैल को आप यदि बड़े कोमल कोमल फल फूल इत्यादि दो वो फल भी खा लेगा, और अगर घास दी जाए घास भी खा लेगा, अर्थ क्या हुआ, बोले कोई कोई श्रोता क्या होते हैं ना, कृष्ण कथा भी सुनेंगे और संसारी गर्भ में भी बहुत मजा आने लगता है, इधर उधर की बातें भी बहुत सारी कर लेते हैं और
जब कथा में आते हैं तो कथा भी सुनने लग जाते हैं, दोनों में समान रुचि रखते हैं। जैसे बैल फलों में और घास में कोई फर्क नहीं देखता, कुछ कुछ श्रोता क्या करते हैं, बोले कथा भी सुनेंगे और संसारिक चर्चा भी करेंगे, यहाँ बैठे बैठे बातें करना चालू कर देते हैं। बोले ना, ये निकृष्ट श्रोता है, बैल की तरह मत बनो, है ना। चौथा उदाहरण दिया भेड़िया। भेड़िया देखा है, भेड़िया देखना, भेड़िए का क्या स्वभाव है, भेड़िया वो कभी भी हिरण को ऐसे सहज में पकड़ नहीं सकता। हिरण उसका खाद्य है, भोजन है, लेकिन हिरण को ऐसे पकड़ नहीं सकता। भेड़िया क्या करेगा, जब कोई हिरण मुरली का शब्द सुन के या कोई मधुर शब्द सुन के और उसको सुनने में अत्यंत व्यस्त है, मुग्ध हो गया है, उसी समय पर हिरण पे जाकर अटैक करेगा, है ना। कुछ कुछ श्रोता क्या होते हैं, बोले खुद तो कथा सुनेंगे नहीं, पास में बैठा हुआ कोई हिरण की तरह मधुर शब्द कृष्ण कथा अमृत का पान कर रहा है, उसको भी सुनने नहीं देंगे। क्योरी आज घर में क्या बना है, तुमने सुना है उसके घर में क्या कैसा हुआ, उसकी बेटी उसके छोरे के साथ में भाग गई, इधर उधर की बातें करके खुद तो सुन नहीं रहे, पास वाले को भी सुनने नहीं देंगे, ये भेड़िया है। यहाँ पे जो सच में कथा सुनना चाहते हो ना, इन भेड़ियाओं से सावधान रहना। हमें गुरु जी प्राय करके बोलते हैं, बोले यदि कथा सुनना चाहते हो तो परिचित व्यक्ति के पास में मत बैठो, जिसको जानते हो ना उसे बहुत दूर बैठो, अनजान के पास में बैठो, आराम से अपना 3-3 घंटा यहाँ कथा सुनने आए हो, कथा श्रवण करो, ठीक है। ये चार तरह के निकृष्ट श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता और निकृष्ट श्रोता। अब चार तरह की कथा भी होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक कथा क्या है, सात्विक कथा बताया, सबसे पहले राजसिक कथा सुन लेते हैं। राजसिक कथा क्या मतलब हुआ, राजसिक कथा मतलब खूब बड़ा सा आयोजन किया है, अच्छा बढ़िया टेंट लगाया, खूब सुंदर व्यवस्था करी, लेकिन व्यवस्था करने में ही इतने व्यस्त हो गए कथा सुनने का ही समय नहीं लगा, कथा सुनने को समय नहीं मिला, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या देना है, किसने प्रसाद पाया, किसने नहीं पाया, इन सब व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए कथा ही नहीं सुनी, बाकी सब बहुत बढ़िया हुआ, इसको बोलते हैं राजसिक कथा। बोले तामसिक कथा क्या है, बोले तामसिक कथा कहते हैं कथा में कोई रुचि नहीं, कैसे न कैसे बस कथा आयोजन करी है तो 7 दिन जाना पड़ेगा, कभी गए कभी नहीं भी गए, कभी लास्ट में आ गए, कभी आरती में आकर बस मुंह दिखा दिया, इसको बोलते हैं तामसिक कथा। सात्विक कथा क्या है, सात्विक कथा अर्थात कथा तो श्रवण करी, मन देकर 7-7 दिन तक सुना और उसके बाद में घर में जाकर भी कुछ समय तक पालन किया, लेकिन 15 दिन महीना जैसे ही हुआ वही रंग धीरे धीरे उतरता गया और उसके बाद में सब छोड़ दिया, ये हुआ सात्विक कथा। लेकिन इन तीनों कथा से सर्वश्रेष्ठ कथा है निर्गुण। निर्गुण कथा किसे कहते हैं, सदा से व्याम श्रीमद् भागवती वार्ताम् यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। भागवत ग्रंथ कोई 1 दिन 2 दिन 7 दिन श्रवण करने का ग्रंथ नहीं, सदा से व्याम इस ग्रंथ की तो नित्य प्रति सेवा करनी पड़ेगी। नित्य प्रति यदि इसका कोई श्रवण करे, इसका कीर्तन करे, इसका पालन करे, इसकी शिक्षाओं को अपना जीवन में अपना ले, तब जाकर ये मंगल प्रदान करेगा। अर्थात जिसने अपने जीवन को ही भागवत बना लिया, भागवतमय जीवन कर लिया, क्या अर्थ हुआ, बोले सवेरे सवेरे रोज उठना, स्नान करना, तिलक लगाना, गुरु मंत्र जप करके ठाकुर जी की मंगल आरती करना, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, उनके लिए सब चेष्टाएं करना, दोपहर में यदि भोजन बना रहे हो ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना, ठाकुर जी का नाम श्रवण नाम जप करना, उनका कीर्तन करना, कोई धार्मिक ग्रंथ अध्ययन करना, पूरी जिनकी क्रियाएं अगर ठाकुर जी को लक्ष्य करकर हो रही है तब वह हुआ निर्गुण कथा। केवल मात्र 7 दिन सुन लिया उसके बाद में साधु साधुओं के घर पे हम हमारे घर पे, ऐसा करने से नहीं चलेगा। अपना जीवन भगवान को केंद्रित करके जिसने व्यवस्थित कर लिया है ये ही असली तरह का सुनना है, ये ही निर्गुण कथा है। सदा से प्याम ये भागवत ग्रंथ यदि कोई नित्य प्रति श्रवण करे, इसकी इतनी महिमा है, देखो विचार करके देखो। श्री चतुसर कह रहे हैं यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। ये कथा आप जो सुन रहे हो, ये कथा नहीं सुन रहे, इन कथा के माध्यम से कृष्ण आपके कानों में प्रवेश कर रहे हैं और कानों में प्रवेश करके हृदय में बैठ जाएंगे।
वो चित चोर इस चित्त में आकर विराजमान हो जाएगा अगर कथा मन देकर सुन रहे हो। और जानते हो इस हृदय से कभी जाएंगे भी नहीं, कभी नहीं जाएंगे, हमेशा यहाँ पर अवरुद्ध होकर बैठ जाएंगे। कोई व्यक्ति यदि घर के अंदर प्रवेश करे और अंदर से लॉक कर ले, उसको कोई निकालने का उपाय है? कोई उपाय नहीं है ना, जब तक वो खुद ना निकल जाए तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके यहाँ अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि कोई प्रश्न करे, बोले हमारा हृदय तो अत्यंत कलुषित है, काम क्रोध ईर्ष्या मात्सर्य इन सब दोषों से भरा हुआ है, ऐसी गंदी जगह पर क्या कृष्ण निवास करेंगे? बोलो कृष्ण ऐसी गंदी जगह पर आएंगे? करेंगे, माता जी कह रही करेंगे। कृष्ण हमारे परम सुहृद है। आप देखो, विचार करके देखो, उदाहरण देकर बताते हैं। हमारे घर में कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त आया, वो दोस्त को हमने बैठने के लिए एक चेयर दी, लेकिन वो चेयर पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है। क्या वो दोस्त आपसे कहेगा कि चेयर पहले साफ कर बाद में बैठूंगा? वो क्या करेगा, आपके पॉकेट से रुमाल निकाला, वो चेयर को साफ किया और खुद वहां पर बैठ जाएगा, है ना? ठीक उसी प्रकार कृष्ण कथा यदि हम श्रवण कर रहे हैं, भागवत ग्रंथ यदि एक मन से श्रवण किया, कृष्ण कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे, हमारा हृदय तो काम क्रोध लोभ से भले ही भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण स्वयं उसे मार्जन कर देंगे, कृष्ण उसे साफ कर देंगे, स्वच्छ निर्मल बनाकर और वहां पर अपना निवास स्थान बना लेंगे, वहां अपना निवास स्थान बना लेंगे। इतनी महिमा है इस भक्ति की। भक्ति यदि केवल मात्र पूर्ण भक्ति नहीं, केवल उसका आभास मात्र भी क्यों ना आ जाए। शुद्ध भक्तों की तो बात छोड़ दो, कोई अगर भक्ति करना प्रारंभ भी कर दे, प्रारंभ करते करते साधन अवस्था में ही लक्षण बताए हैं, बोले साधन अवस्था में ही हमारे हृदय के जो सारे क्लेश हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, इतनी महिमा है। इसीलिए ग्रंथ को निर्गुण कथा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कथा है, अपना जीवन भागवतमय बनाना होगा। कृष्ण कथा श्रवण करते करते जीवन जिनका भागवतमय हो गया है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कथा है। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक बार सब बड़े समय से बैठे बैठे करके लगता है प्यार दूर गया होगा, एक बार खड़े होकर नाच लो सबके साथ। ठीक है, प्रभु जी भजने का क्या नाचने वाला, जो भगवान के दरबार में नाचे उसको 84 लक्ष्मी को नाचना नहीं पड़ेगा। एक बार सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के नाच लो, और जो पीछे है सब आगे आ जाओ। सावरिया तेरे आगे नंदलाला तेरे आगे, मैं तो घुंघरू देना सावरिया तेरे आगे, मैं तो घुंघरू सावरिया तेरे लोग विराज विश्राम मैं
खाली मत रखा करो, एकदम आगे आकर बैठ जाओ।
हरे कृष्णा। हर हर सब पीछे हैं, ठाकुर को पूजा करते हैं, इधर आ जाओ। ओम अज्ञानत विरांतस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशते गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आगे एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद वंदनम ओम विष्णुपाद स्तोत्र तथा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सर श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुवर्ग सुपार्थ दस परिकर गौर नित्यानंद प्रभु की राधा विनोद बिहारी जीव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। आप सभी वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद कथा श्रवणकारी माता है सबके चरणों में अगम का जथा जो के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद पुराण के अंतर्भुक्त जो महिमा को श्रवण कर रहे थे इसमें अंतिम में प्रभु जी ने बताया कि ये भागवत कोई दो तीन दिन एक महीने या एक साल को अध्ययन करने वाला चीज नहीं है। इसको सदा सेव्यम हर समय हर मुहूर्त पे हर क्षण पे ये भागवत का सेवा करना चाहिए। सेवा करना अर्थात ये नहीं है कि घर में जाके बड़े सुंदर धूप दीप फूल फल लेके तो पूजा तो कर दिया और भागवत भागवत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। सेवा करना अर्थात यहाँ पे ये है कि उनके जो कथाओं के जो सार कथाओं के जो विचार को अपने जीवन में थोड़ा बहुत आचरण करना उसको ये बोला जाता है सेवा करना। तो देखिए अभी प्रश्न उठता है बोले ये भागवत कथा हम सुने किससे। अभी गुरु जी ने बता रहे थे कि किस प्रकार भागवत कथा में श्रोताओं का कैसे कैसे कैटागोरी सब वर्णन कर रहे थे तो सुने किससे। तो बता रहे हैं कि किसी वैष्णव साधु से ही इस भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। अवैष्णवम मुखकीर्णम पूतम हरि कथामृत श्रवणम नैव कर्तव्य सर्वोचेष्ट यथा। किसी कुछ लोग तो विचार करते हैं कि कथा तो हो रही भाई कथा में चलो बैठ जाते हैं कथा सुन लेंगे। बात तो सही है श्रीमद् भागवता अमृत है। श्रीमद् भागवता अमृत इसका नाम है अमृत वस्तु तो है ही लेकिन शास्त्र में बता रहे हैं कि सुनना किससे चाहिए। अवैष्णव मुखम कीर्णम भूतम हरि कथा अमृतम बता रहे हैं कोई अगर अपने जीवन में कोई आचरण नहीं कर रहा है कोई वैष्णव नहीं है उनके मुख से अगर हम कथा को श्रवण कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि सर्पो उच्चिष्ट जथा पय जिस प्रकार दूध है दूध में मानो कोई सांप आके उच्चिष्ट कर लिया है छूटा कर लिया है तो बताओ दूध पी सकते हो वो पीने से फिर मृत्यु हो जाएगी। तो बता रहे हैं कि देखो दूध तो अमृत वस्तु है फिर भी सांप के द्वारा मुख मारने से किस प्रकार विषैली जहरीला हो जाता है उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवतम को बताया गया है कि कल्प वृक्ष कल्प तरु जो मांगोगे वो मिलेगा। और इसमें अगर असाधु व्यक्ति कोई कामनी बहुत कामना करने वाले व्यक्ति अर्थार्थी व्यक्ति और हृदय में उसके काम क्रोध लोभ मोह है
और अन्यान में लालसा है, तो ऐसे व्यक्तियों के मुखमंडल से अगर कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भी वो भक्ति कभी जागृत नहीं होगा। कोई खुद कंठी तिलक धारण नहीं कर रहे हैं और भगवान के नाम खुद जप नहीं कर रहे हैं, खुद आचरण ही नहीं कर रहे हैं, भागवत को जीविका बना रखे हैं, जीवन नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों के मुखमंडल से अगर कथा श्रवण करेंगे तो हमारा उसी प्रकार का हृदय में धीरे धीरे तो कथा में रुचि आएगा, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, और जैसे ये अभी बता रहे थे ना कि यहाँ से घर जैसे जाएंगे धीरे धीरे वो उतर जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए जो साधु है, जो हर समय भगवान के नाम में, भगवान के कथा कीर्तन गुण में हर समय उसमें डूबे हुए हैं, ऐसे साधु वैष्णव से कथा सुनना चाहिए। तो देखो श्रीमद् भागवतम में ये वक्ता और श्रोता की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। बोले ये वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? देखो ये एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत क्या होता है कि जैसे ग्रंथ भागवत तो हमने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। अभी बता रहे थे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंद भगवान के द्वादश अंग के सदृश साक्षात भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसीलिए जो भक्त भागवत है ये ग्रंथ भागवत को पूर्ण रूप में अपने जीवन में आचरण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के जो श्रोता है और श्रीमद् भागवत के जो वक्ता है ये भी कोई साधारण नहीं है। बोले श्रोता कौन है? बोले श्रोता ये परीक्षित महाराज जी है। बोले वक्ता कौन है? बोले वक्ता ये शुद्धदेव गोस्वामी पाद है। देखो ग्रंथ भागवत तो है ही है लेकिन यहाँ पे श्रोता भी महाभागवत है और ये वक्ता भी महाभागवत है। तो सबसे पहले ये वक्ता के बारे में हम थोड़ा श्रवण करेंगे कि जिस समय ये सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही वन के तरफ चले गए, और जैसे ही वन के तरफ जा रहे हैं वेद व्यास जी ने देखा कि अभी तक पुत्र का अभी तक कोई भी संस्कार हुआ नहीं और पुत्र ऐसे ही संन्यास लेके जा रहे हैं, तो वेद व्यास जी को बड़ा दुखी हुआ और दुख हो के उनके पीछे हा पुत्र करके वन के तरफ गए। तो जैसे ही वन के तरफ जा रहे थे उसी समय मानो लता पता वृक्ष सब कह रहे कि हा पुत्र सबके सब हा पुत्र का शब्द हो रहा है मन में। ये केस किस प्रकार हो रहा है कि मानो कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, इस जगत में सब नश्वर वस्तु है। तब वेद व्यास जी देखे कि पुत्र तो संन्यास होके चले गए और वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना किया और उनके नाम ही व्यास इसलिए है कि विस्तार इति व्यास, सारे एक वेद को चार वेद में विस्तार किया, फिर महाभागवत महाभारत और 18 पुराण को उन्होंने रचना करने के बाद ये मन में सोच रहे हैं कि भैया मैंने इतना सुंदर ग्रंथ तो रचना कर दिया लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ाऊं किसको, क्योंकि इतना सुंदर ग्रंथ, इतना उत्कृष्ट ग्रंथ कोई ऐसे व्यक्ति को ही पढ़ाना चाहिए, मानो हमने पीएचडी का बढ़िया सुंदर बुक्स ले आए हैं, अब उसको पढ़ाएं कैसे, उसी लेवल के व्यक्ति को ही पढ़ाया जा सकता है। कोई स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 बच्चे को बोलोगे भाई तुम बैठो और मैं तुम्हें डिग्री का पाठ पढ़ाऊंगा, पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ेगा। तो सोच रहे कि इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है अब मैं इसको पढ़ाऊंगा किसको। अब इतने सोच करके उन्होंने मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र तो सुखदेव गोस्वामी वो ही वास्तव में इस ग्रंथ को अध्ययन करने की योग्य है, परंतु उन्होंने मातृ गर्भ से जन्म होते ही संन्यास हो गए, संन्यास लेके ब्रह्मवाद में लीन हो गए, जंगल की तरफ चले गए। अब इतने में उनको लेके आए कैसे? इतने में व्यास जी ने अपने चार शिष्य को बुलाया और चार शिष्य को बोला देखो भैया मेरा एक तोता खो गया है, जंगल में जाके ढूंढ के ले आओ। अब शिष्य ने बोले गुरुजी जंगल में तो बहुत सारा तोते हैं और आपके तोते हैं पहचानने कैसे आएंगे, हो गया है सच्ची बात ढूंढ तो ले आएंगे और पहचान भी तो होना चाहिए। तो व्यास जी कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें चार मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र पर जोर जोर से वहां पे जंगल में संविधा आदि वन जात्र द्रव्य फल मूल आदि संग्रह करते करते उच्चारण करते रहना,
और देखना जो अपने आप तुम्हारे हाथ में जो तोता आके पकड़ में आ जाए, मान लो ये मेरा ही तोता है। बोले जो आ गया गुरुदेव। व्यास जी ने अपने चार शिष्य को चार मंत्र सिखा दिया और उनको वन में भेज दिए। अब जैसे ही वन में जाते हैं, सबसे पहला शिष्य ने पहला मंत्र को पाठ किया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वात कनक कपितयम वैजयन्ते चमाला रंध्रान वेणुरधर सुजया पूरया गोप वृंदे वृंदारण्य शपद रमणम प्राविशास्त गीत कीर्ति। पहला शिष्य ने पहला मंत्र में बता रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार सुंदर है, कृष्ण का क्या सुंदरता है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण के ये गोपियां वेणु गीत में इस श्लोक को वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का कैसे कृष्ण सुंदर दिखते हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु, बरहा पीड़म कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर उनके घुंघरालू कैसे, और मैया यशोदा ने कृष्ण को बड़े सुंदर श्रृंगार किए हैं। कृष्ण के एक तरफ एक पगड़ी के द्वारा कृष्ण को सर को बड़े सुंदर से फूल गुंजावती पुष्प से कृष्ण को आवृत कर रखे हैं, और उसके बीच में भी एक जुड़ा बना करके मैया यशोदा उसके ऊपर एक मोर पंख धारण करवा रखे हैं, और कृष्ण के बड़े दिव्य सुंदर है। बता रहे हैं कि नटवर बहु, तो टीकाकार वर्णन कर रहे हैं कि नटवर का दो अर्थ है, जो नृत्यों में श्रेष्ठ है। आगे हम श्रवण करेंगे भगवान किस प्रकार राज लीला में किस प्रकार नृत्य करते हैं। और दूसरा अर्थ बता रहे हैं नटेश वर इति ही, जो नटों में श्रेष्ठ है यानी नट यानी भगवान शिव। शिव जी को नटराज कहा जाता है कि नहीं, शिव जी को नटराज कहा जाता है। लेकिन जिस समय कृष्ण काली के सर पर ऊपर नृत्य कर रहे थे, ये भगवान शिव जी भी आके प्रणाम कर रहे हैं। बोले प्रभु मैं तो नृत्य करता था, मैं अपने आप को बड़ा नृत्य समझता था, शिव जी बड़े सुंदर तांडव करते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे साधारण जगत में देखा जाता है कि एक कोई एक नृत्य कारीगर उसमें क्या करते हैं कि बड़े सुंदर एक स्टेज लगा रहता है और बड़े सुंदर कीर्तन करने वाले रहते हैं और गाने बजाने वाले रहते हैं, तो तब तो वो नाच सकता है। लेकिन एक तरफ पैर रख रहा है और स्टेज ही एक तरफ ऊपर उठ रहा है, कोई ठीक से नाच गाना नाच कीर्तन नाच बजाना ढोलकी बजाना हो नहीं पा रहा है, तो कैसे नाच पाएगा। तो शिव जी बोल रहे हैं प्रभु कैलाश के भूतगण तो बड़े सुंदर डमरू मृदंग आदि वादन करते हैं, और कुछ ना कुछ तांडव में जो ध्वनि उच्चारण होता है उसके माध्यम से कैलाश तो पूरा समतुल है, उसमें तो मैं नृत्य करता ही हूँ। लेकिन आप कहाँ पे नृत्य कर रहे हो, आपका जो स्टेज है ना वो हिलता डुलता स्टेज है, क्यों आप काले के सर के ऊपर नृत्य कर रहे हो, और यहाँ पे गा भी कौन रहे हैं। बोले नाग पत्नियां, नाग लोग गाएंगे क्या, बोले फुदकार कर रहे हैं, सांस सांस करके फुदकार कर रहे हैं, और उतने भी आपका अद्भुत जो नृत्य की जो शोभा है मानो त्रिभुवन को मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप नृत्यकार में भी श्रेष्ठ हो। नटवर बहु और कर्णयो कर्णिकारम, ठाकुर जी ने अपने एक कान पे क्या कर रखे हैं, कनेर के फूल को धारण कर रखे हैं। जिस समय ठाकुर जी ब्रज में गोचारण करने जाते हैं तो मानो गोपियां कृष्ण को देखने के लिए मध्याह्न काल में दूध दही लेके बेचने के लिए जाती है, तो गोपियां सोच रही है कि कृष्ण आज कौन से दिशा में गोचारण करने जा रहे हैं। तो कृष्ण के जो दाहिने कान पे अगर कन्यार के फूल है तो गोपियां सोचे होंगे कि कृष्ण इस दिशा में गए। कृष्ण अगर बाएं कान पे अगर फूल लटकाए हुए हैं तो गोपियां सोचेंगे कृष्ण इस दिशा में गए हैं। तो ये गोपियों को इंगित करने के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, कान में बड़े सुंदर एक कनेर का फूल को धारण कर रहे हैं, और विप्रत वास कनक कपितयम वैजयंती च माला, बड़े सुंदर वैजयंती माला। ये वैजयंती माला पांच फूल के बड़े गुथे हुए माला जो गले से लेके ठाकुर जी के चरण तक स्पर्श कर रहा है, उसको वैजयंती माला बोलते हैं। बड़े सुंदर वन माला वैजयंती माला धारण कर रखे हैं, और वृंदारण्यम सुपद रमणम, वृंदावन में खाली सुपद रमणम खाली पैर में जाते हुए
प्रादिशाह गीत कीर्ति कृष्ण के सखा सखीगण कृष्ण के महिमा को गुणगान कर रहे हैं। अरे सुना है आज कृष्ण ने अगासुर को वध कर दिया। अरे सुन तो लो अगासुर के बात छोड़ो, कहीं से एक बड़े बहुमूल्य आई थी उसको तो कृष्ण ने उसको दो चोंच को उखाड़ करके फेंक दिया। अरे उसको क्या बात कर रहे, जब कृष्ण तीन दिन के थे पूतना को वध कर दिया। कोई सखा बोल रहे अरे तुम पता है पूतना का बात ही तो छोड़ो, कृष्ण का पैर बचते ही पूरा का पूरा सगट के टूट के चुरमार हो गया। तो कृष्ण के महिमा को गुणगान करते हुए सखा लोग परिप्रष्टित होके बड़े सुंदर गयो को चारण करते हुए कृष्ण वृंदावन में जा रहे। कृष्ण इतना सुंदर दिखते हैं, देखो एक कथा है गुरु महाराज जी प्राय करके सुनाते हैं कि कृष्ण का क्या शोभा है। तो बता रहे कि देखो एक समय ब्रज में कोई एक नई गोपी आ गई, नई शादी होके आ गई। तो सोच रही है कि सारे के सारे ब्रजवासी एक समय पे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, घर के काम जल्दी जल्दी निपटा करके चले जाते हैं। उसने अपने सास के पास जाके पूछी कि मैया मैया ये सब जा कहाँ रहे हैं। बोले वन के तरफ जा रहे हैं। बोले वन में कहाँ है। तो उसके सास बोले वन के तरफ तू भूल करके देखियो मत, वन में काला नाग है और वन में जाओगे तो तुझे काला नाग डस ले। अच्छा तो ये डसने के लिए क्यों जा रहे हैं, काले सांप को इनको डर नहीं लगता। बोले तो ज्यादा मत पूछ, वन के तरफ तू मत जाना, मतलब नहीं जाना है और तू कुछ ज्यादा मत पूछ। तो इतने में उस गोपी के हृदय में एक दिन दो दिन होने के बाद उसके हृदय में बड़ा लालसा हुआ, बड़ा उत्कंठा हुआ कि सारे ब्रज के लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा भाई, ऐसा तो नहीं कि सांप काटने के लिए कोई जाता हो। तो उसने भी धीरे धीरे चुपके से अपने सास से बचते हुए धीरे धीरे चली। अब सांस का नाम ही ऐसे हो कि सांस मतलब जो सांस लेने ना दे। और धीरे धीरे चुपके पीछे गेट से वो वन के तरफ चली गई। और वन के तरफ जैसे ही चली गई ना तो देख रही है कि एक जगह पे कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण गोचारण कर रहे हैं और सारे गोपी वहां पे दूध दही बेचने के लिए गए हैं। कोई दूध ले लो दूध, कोई दही ले लो कोई दही, ऐसे बोलना तो बोलते बोलते कृष्ण की इस लीला को देखते देखते कोई दामोदर ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, इस प्रकार जोर जोर से वहां पे गोपियां कृष्ण के मधुर मधुर गुणगान कर रहे। इतने में ये नई नवेली ब्रज गोपी एक पेड़ के पीछे छुप करके बड़ी देख रही थी कि क्या हो रहे। अब कृष्ण सर्वंतर्यामी है, कृष्ण ने सोचा चलो नई नई ब्रजगोपी आई है इसको मैं अपना थोड़ा छटा को दिखाता हूँ। जैसे ही कृष्ण ने ऐसे सोच करके क्या कि एक बछड़े को पूंछ को ऐसे ऐंठती, अब बछड़े दौड़ करके वहीं भागने लगे। और भागते भागते जैसे बछड़े उस गोपी के पास पहुंचा तब कृष्ण उसी बहाना में उस गोपी के पास आते और गोपी को देखते ही कृष्ण देखने लगे। अब नई नवेली ब्रजगोपी घूंघट दे के खड़ी है। अब इतने में कृष्ण क्या किए एक तिरछी नजर उसके तरफ देखी और अपने जो बांसुरी को कमर से निकाल करके थोड़ा उसको होठ को थोड़ी को ऊपर उठा दिए और एक बार कृष्ण उसको तरफ देख करके एक बार मुस्कुराए। अब इतने में कृष्ण को एक मुस्कुरा कृष्ण का एक तिरछी नजर देख के वो ऐसे मदमत हो गए, ऐसे पूरा पागल की तरह हो गई, पगलिनी हो गई। तो वहां से वो ऐसे की ऐसे खड़ी है। सब ब्रज गोपी सब के सब कृष्ण लीला जैसे ही खत्म हो रहे तो सबके सब घर घर अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये वहीं पर ही खड़ी। संध्या समय आ गई, पूरा का पूरा उसके सांस ढूंढने लगे, भाई कहाँ गई मेरे नई बहू को देखे हो। कोई गोपी ने बोला अरे सुना है तेरे बहू तो वहां जंगल में गया था, एक पेड़ के पास खड़ा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तब इतने में सांप बोले अब तो उसको पक्का काला नाग ने डस लिया होगा। अब इतने सोच करके जैसे ही उसने गए तो उसके साथ गई वहां पे तो देख रहे वहीं पर ऐसे ही खड़ी है, उसको हिला रही है, डुला रही है, उसको जोर जोर से चिल्ला रही है अरे उठ जाओ अरे घर चलो, उसको ही नहीं रही। क्योंकि कृष्ण प्रेम का कृष्ण नाम का कृष्ण का जो स्वरूप का बात ही ऐसा है जो एक बार दर्शन देने से हृदय से वो बैठ जाते हैं, हृदय के अंदर रह जाते हैं और कभी वो बाहर निकलते नहीं। अब इतने में
जैसे ही उसको उसमें कुछ नहीं होना तो जोर जबरदस्ती घर में ले आए, और घर में ले आने के बाद भी ऐसे किए थे। और वो सोच रहे कि भैया इसको क्या करूं, कुछ काम दे दूं, इसको कुछ काम दे दूं। बोले दधी मंथन कर लो। बोले दधी मंथन कर रहे हो तो दधी को मंथन क्या करेगा, वो राई को मंथन कर रहे हैं, और राई को रख के मंथन कर रहे हैं। साथ बोले अरे करम फूटी मेरे, मैं तुझे बार बार कह रहा था जंगल में मत जाइयो, काला नाग डस लेगा, अब तुम चले गए ना, देखो ना काला नाग का जहर उधर ही नहीं रहा। एक काम करो, कुएं से पानी भर के ले आओ। और इतने में जैसे कुएं से पानी भर के लेने गए तो सोचा कि एक दो मटके उसके सर पे और एक दो कंधे पे, और हाथ में अपने बच्चे एक छोटे बच्चे को पकड़ा दिया, और बच्चे को पकड़ा दिया और रस्सी दे दिया और मटके दे दिया, उन्हें कुएं में पानी लेके आओ, मन बहल जाएगी सबके साथ बात कर लेगी। तो अब जैसे ही कुएं में पानी लेने जाती है उस गोपी, तो सबसे पहले वो तो क्या करती है, सब लोग वहां पे हाहाकार करने लगते हैं। बोले क्या किया, बोले मटके में रस्सी बांधना तो छोड़ो, बच्चे के गले में रस्सी बांध के उसको डुबा रही थी। तो ऐसे कृष्ण का इस प्रकार का सारे ब्रजवासी बोलते हैं अरे इसको कृष्ण का कृष्ण रूपी काला सर्प ने डस लिया है, कृष्ण रूपी काला सर्प ने डस लिया है, जब तक वो नहीं चाहेंगे ये जहर नहीं उतरने वाला है। तो इसी प्रकार कृष्ण के इतना सुंदर अद्भुत के गुणगान सुनते ही उसी स्थान पे उसी वन में सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवाद में निरंतर थे, ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे, और कृष्ण को सुंदर स्वरूप को सुन करके उनके मन में बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन आनंदित तो हो गए लेकिन वो मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया सुंदर होने से थोड़ी ना चलेगा, सुंदर होने से थोड़ी ना चलेगा, भैया उनके घर कहाँ है, घरवार भी तो होना चाहिए। जैसे हम किसी के लिए शादी के लिए किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, बताओ क्या क्या देखते हो आप, क्या क्या देखते हो? माता जी कह रहे हैं घर, संस्कार, जॉब, हाँ, उसके परिवार के खानदान, ये सब होना चाहिए। तो इतना बस सुंदर हो और शराब पी रहा हो, शादी करवाओगे? बोले नहीं। तो ये कृष्ण का इतना तो सुंदर है, भैया ये रहते कहाँ पे है। इतने में दूसरा शिष्य ने दूसरा श्लोक पाठ किया, बोले जय तिथे दिका जय वृंदावन धाम में है। अरे जिस वृंदावन के धाम, वृंदावन के जो वृक्ष वृंदावन के जो लता पता के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, नारद जी स्तुति करते हैं प्रभु मुझे यहाँ पे कुंड बना दो, ब्रह्मा स्तुति करते हैं प्रभु मुझे यहाँ पे एक छोटे जाति के जो कपड़ा साफ करते हैं वहां पे क्या कर दो, एक शिलाला बना दो। उद्धव जैसे महाभागवत, उद्धव जैसे परम वैष्णव जिनके लिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे मेरे पत्नी लक्ष्मी इतना प्रिय नहीं है, मुझे मेरे भैया शंकर सन बलदाव जी इतना प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि मुझे अपने आत्मा भी इतना प्रिय नहीं है कि हे उद्धव तुम जितना प्रिय हो। उद्धव जैसे महाभागवत वहां पे वृंदावन में जाके बोलते हैं कि हे प्रभु असाम हो साम जुसाम हो श्याम वृंदावन किमपि गुरुमा कि हे प्रभु मुझे वृंदावन में केवल एक घास बना दो, एक लता वृक्ष गुल्म वृक्ष बना दो। उद्धव जी का ये स्थिति है। शिव जी आते हैं यहाँ पे गोपी रूप धारण करते हैं और भगवान के प्रणाम करते हैं, रात में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं फिर भी वो रात में प्रवेश नहीं कर पाते। लक्ष्मी
लक्ष्मी यहाँ पे आके इस वृंदावन धाम को, लक्ष्मी दूर से ही झाड़ू लेकर खड़े होते हैं। आज भी वृंदावन जाओगे तो एक स्थान है जिसका नाम है बेल वन, उसी बेल वन में लक्ष्मी आज भी तपस्या कर रहे हैं। जगत में देखोगे लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे रहते है, ऐसे रहते क्यों? क्योंकि वो धन धान्य प्रदान करने वाली है ये लक्ष्मी, लेकिन एक स्थान पे हाथ जोड़ी करके बैठी है। बोले कहाँ पे? ये वृंदावन धाम में ये लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठकर अभी तक तपस्या कर रही है। बोले क्यों? क्यों प्रभु? कि मुझे केवल आपके वृंदावन धाम में प्रवेश मिल जाए। देवता यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के धूल भ्रमर ऐसे कीट पतंग होने की कामना रखते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन भूमि है जिसको ब्रह्मा स्तुति करते हैं। चिंतामणि प्रकर सत्मशुगल्प वृक्ष लक्षावृता शुश्रभिरभिपालयन्ता लक्ष्मीतात्र सतत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा स्तुति करते हैं। बोले वृंदावन के जो धूल है ये साक्षात चिंतामणि है। चिंतामणि का स्वरूप क्या है? चिंतामणि का मतलब क्या है? बता रहे हैं कि जो इच्छा करोगे, जो चाहोगे ये वो प्रदान कर देंगे। और कल्प वृक्ष है यहाँ के लता पता, उस वृक्ष के नीचे में खड़े होके जो इच्छा करोगे वो वृक्ष तुरंत उस चीज को प्रदान कर देगा। और तो और लक्ष्मी सहस्त्र, अरे एक लक्ष्मी को हम पूजा करते हैं। यहाँ पे वैकुंठ जगत के जितने हजार हजार लक्ष्मी है यहाँ पे आके संभ्रम भाव में यहाँ पे आके झाड़ू पकड़ करके खड़े हैं। बोले किस लिए? कभी कृष्ण के नजर हम पे पड़े और कृष्ण हमें क्या करे कि वृंदावन में थोड़ा झाड़ू लगाने की सेवा कर दे। इसी भाव में लक्ष्मी झाड़ू पकड़ करके खड़ी है। ऐसे वृंदावन धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले घर तो बढ़िया है भाई, ऐसा घर कहीं नहीं मिलेगा, इतना सुंदर घर है। अब घर अच्छा है और देखने में भी अच्छा है, भैया इसका खानदान कैसा है? इसका खानदान में कौन कौन है? तब तीसरे चेले ने तीसरे श्लोक को उच्चारण किया। बोले तीसरे श्लोक को उच्चारण किया क्या? न कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंद नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंद नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले इनका पिता कौन है? बोले नंद बाबा। नंद बाबा इस ब्रज का राजा है और इनके घर में 9 लाख गैया है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। और इनके माता जी कौन है? बोले ये यशोदा मैया। यशोदा मैया सबको यश प्रदान करने वाले हैं। ब्रज के सारे गोपियों का रक्षण पोषण करते हैं, सारे गोपियों को दुख सुख को सारे गोपियों को ये अपने यश के द्वारा आनंदित करते हैं। इनका नाम इसलिए यशोदा है। और इनके देखो तो बड़े सुंदर एक भैया भी है जिनका नाम दाऊ जी है। और इनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर परिकर है, हाँ सखा सखीगण है। बोले खानदान भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। तो देखो तीन चीज तो अच्छा हो गया, बड़े सुंदर दिखने में है, खानदान भी अच्छा है, घर द्वार भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है। और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए? माता जी कह रहे हैं सुहाव, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। माता जी कह रहे हैं सुहाव। देखो हम सब चीज को देखते हैं, सब चीज सुंदर, सब रूपवान हो, बड़े धनीवान हो और बड़े विद्यावान भी हो, सब चीज अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहार उसका स्वभाव अगर अच्छा नहीं है ना, वो अगर खराब काम अगर कर रहा है तो उसको चाहे कितना भी रूप अगर हो तो वो सब बेकार है, कितना भी धन हो सब बेकार है। तो बता रहे हैं इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है? तो अंतिम श्लोक ने अंतिम श्लोक पाठ किए, अंतिम शिष्य ने चार शिष्य को भेजा था ना, तो जो चौथा नंबर शिष्य ने अंतिम श्लोक को पाठ कर दिया। बोले अहो बकियं स्तनकालकूटं जिगाशयायदपि यशाद्विक लेभे गतिं कृतिचितो तदन्यो तं मा दयालु।
देखो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय पूतना आई थी ब्रज में, किस लिए आई थी? बोले कृष्ण को कालकूट विष दे करके कृष्ण को मारने के लिए आई थी और बगुली के रूप धारण करके आई थी। बगुली के रूप जानते हो? बगुली यानी एक बग, कैसे बग का जो स्वरूप कैसा होता है? बाहर को तो ध्यान करता है वो भाई, बड़े सुंदर ध्यान करता है कि ऐसे ध्यान तपस्या करता है कि उसके अलावा और जगत में कोई नहीं है, लेकिन उसका सारे ध्यान मछली की तरफ होता है। रामायण का एक प्रसंग आता है कि पंपा सरोवर में जब राम जी लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं, उसी समय पंपा सरोवर के तट पे एक बगुली बड़े सुंदर एक टांग को खड़े करके ऊपर आंख करके बड़े सुंदर ध्यान कर रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, दुष्टा बगुली पंपा सरोवरे कितरुसम तपो आचरे। बोले लक्ष्मण देखो देखो ये बगुली को देखो कि किस प्रकार ये तपस्या कर रहा है ना? और इसके तपस्या के प्रभाव से देखो ये पंपा सरोवर में जितने भी जीव जंतु जितने भी मछलियां रह रहे होंगे उनको तो साधु संग प्राप्त होगा, प्राप्त हो रहा होगा। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, आप सब चीज जानते हो सर्वंतर जामी हो फिर भी अगर पूछ रहे हो तो एक काम करते हैं प्रभु, ये बगुली तो नाम मात्र की तपस्या कर रहा है और कितने मात्रा में है ये पंपा सरोवर में रहने वाले मछली इनके सत्संग का लाभ उठाते हैं, चलो क्यों ना एक मछली को बुला करके पूछ लिया जाए। एक मछली को बुलाया गया। बोले एक मछली को जैसे लक्ष्मण जी ने बुलाया तो एक मछली आया, बोले जय जय प्रभु जय हो ध्यान आपने मुझे बुलाया कृपा करके। तो लक्ष्मण जी ने बोले कि देखो ये बगुली बड़ा ध्यान कर रहा है तुम्हारे तट पे बैठ के, लग रहा है तुम्हें बगुली का बड़ा साधु संघ और इसके इनसे जैसे महात्मा का संघ का प्राप्त हो रहा होगा। तब मछली कहते प्रभु आप तो सब जानते हो इसका सारा ध्यान हम पे है, इसका सारा ध्यान हम पे है। जैसे ही हमने अपना ध्यान हटा करके चुप करके हम क्या करेंगे इसके आगे पीछे दौड़ने लगेंगे, ये अपना ध्यान तपस्या सब छोड़ करके टप करके हमें उठा करके पूर्ण हो जाएगा, इसका सारा ध्यान प्रभु हम पे है। तो यम बकीयम बगुली के रूप धारण करके बगुली के समान यहाँ पे तुलना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि ये पूतना दिखने में तो बड़े सुंदर है लेकिन अंदर में क्या है उसका भावना खराब है, कृष्ण को मारने के उद्देश्य में आए हैं ये पूतना। तो ऐसे पूतना को भगवान ने क्या प्रदान किया? बोले ऐसे पूतना को भगवान ने मात्र उचित गति प्रदान किया। ब्रह्मा शिव जी स्तुति करते हैं भगवान को चरण के लिए, अभी श्रवण कर रहे हैं ना, लक्ष्मी जी भी स्तुति करते हैं, लेकिन ये पूतना का भाग्य तो देखो ठाकुर जी को गोद में ले लिया और पूतना कालकूट जहर भी पिला दिया। ऐसे अगर पूतना को भगवान ने मात्र उचित गति दे दिया, अपने माँ की समान गति दे दिया, तो कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां, इनसे दयालु और जगत में कौन हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुण बगुण प्रभु देखै न काऊ, गुण बगुण प्रभु देखै न काऊ, गुण बगुण प्रभु देखै न काऊ, गुण बगुण प्रभु देखै न काऊ। हमें तो दोष के अभाव ही नहीं है, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब ये चार श्लोक को श्रवण करते ही सुखदेव गोस्वामी अपने आप ही पकड़ में आ गए। अब जो चार शिष्य उनको व्यास जी ने बोला था कि जो तोता अपने आप पकड़ में आ गए भैया उनको ले आना, अब ऐसे सुनकर के सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपको ये श्लोक किसने समझाया किसने सुनाया?
तब ऐसे करके जैसे ही सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न को सुनते हैं तब वहाँ पे बोलते हैं कि ये तो हमारे गुरुपाद बखाने सिखाया, बोले मुझे भी ले चलो, बोले वो आपके ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इतने में सुखदेव गोस्वामी व्यास जी के पास जाते हैं और व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ का पूरा महिमा पूरा का पूरा अध्ययन करवाते हैं और परीक्षित महाराज जी को ये सुखदेव गोस्वामी कोई श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा मृतम की हरे कृष्ण हरि वृंदावन हरि की जय। तब से ठाकुर जी ने हमारे हाथ को पकड़ रखा है तो वो सभी जो मानते हैं देखो नाच रहा आता है वो नाचर की हजी लगाएंगे, जिनको नाचा नहीं आता बैठे बैठे तारी सेवा करेंगे। ठीक है वो जब शीशा मेरे ने पकड़ा मेरा हाथ वो भी मेरी बल्ले बल्ले
खुशियों को ले दिया किनारा है और डूबी हुई कश्तियों को ले दिया किनारा है और डूबी हुई कश्तियों को ले दिया किनारा है और डूबी हुई कश्तियों को ले दिया किनारा है ओ मेरे हो गए आए आए मेरे हो गए आए आए मेरे हो गए किनारे का ओ गई मेरी बल्ले बल्ले जैसे सामने राधिकाय इष्टदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः तमानि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद स्वर्ग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाविध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद भागवत कथा की महिमा। हमारे टीकाकार लोग कहते हैं किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हैं वो ग्रंथ को ऊपर में चार विषय पर विचार करनी चाहिए। कितना विषय पर? चार। पहला नंबर है कथा कौन सुन सकता है, सुनने का अधिकारी कौन है। गद्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति ही ये कथा को सुन सकते हैं। इसलिए लगता है आप जितने आए हो लगता है करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ है। ताली बजाओ तुम लोग। लेकिन अगर कोई बोले हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, हम तो जिंदगी भर पाप ही पाप किया, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए श्री पद्म पुराण का उदाहरण दिया ये धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा कोई पापी भी हो सकता। इतने दुष्ट था ये धुंधुकारी किसी बच्चे को कुएं को पास में खेलते हुए देखे उसको धक्का मारकर कुएं में गिरा देता था, इसकी घर में आग लगा देता था, दिन में शाम होते ही 10-20 शिकायत उसके नाम पर घर में पहुंची। पिताजी को इतने सताया उसने, पिता तो घर बार छोड़कर भाग गए। माँ को इतने पिटाई की बोले बताओ पिताजी कहाँ पैसा था, निकालो शराब पीऊंगा जुआ खेलूंगा। खैर भैया ने दुखी होकर कुएं में आत्महत्या की। इतना नहीं उसने फिर 6-6 बेसियाओं को घर में बुला कर रखा, फिर बेसियाओं ने फिर बुरी तरह से उसको गले में रस्सी बांध करके दोनों हाथ पकड़ करके मुंह में जलते हुए अंगार पर डाल डालकर बुरी तरह से मारे और घर में काट दिया और क्या बन गया, प्रेत बन गया। जब गोकर्ण घर में आया देखा तभी प्रेत बन कर बैठा हुआ, कभी हाथी बन कर कभी घोड़ा बना कर डरा रहा है। बोले तेरे नाम पर मैंने पिंडा दे दिया तेरे उधार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने इतने पाप की मेरे नाम पर एक बार नहीं भगवान का वरदान है। भगवान क्या वरदान दिया, अगर कोई गंगा गया में जाए वहां पर गदाधर का चरण चिन्ह है, कोई एक बार पिंड दे दे पितृ पुरुषों को उद्देश्य में उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बोले मेरे नाम पर एक बार नहीं मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड देगा ना मेरी उद्धार होने वाले नहीं।
लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली? बोले भागवत कथा से, भागवत कथा से उसको मुक्ति मिली। मतलब है किसी ना किसी तरह से आओ, एक बार ये भागवत कथा में बैठ जाओ, आपकी जन्म जन्मांतर का जितने पाप है ये सब के सब धुल जाएगी और उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते, बोले परीक्षित तेरे को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई तपस्या दान व्रत कुछ भी नहीं, यहाँ पर बैठो और भागवत कथा सुनो। ये कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं होगी संसार से मेरी उद्धार हो गया, मैं छोड़ता नहीं। सचमुच से ये कथा सुनते सुनते कहते श्री परीक्षित महाराज के लिए वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से रथ आया। इन्होंने बड़ी सुंदर एक गोपी मूर्ति धारण किया, रथ में बैठ करके ये भूर भुग मोह जन तप सब लोगों को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन, सीधा गोलोक वृंदावन चला गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य मिला, बोले इसने कुछ भी नहीं किया, कोई दान पुण्य कुछ भी नहीं, केवल इन्होंने कथाएं सुने और कथा सुनते सुनते भगवान की धाम प्राप्त हो गए। तब ब्रह्मा जी एक तराजू लाए, ये कथा की क्या बात है, क्यों बात करते हो? हरे कृष्णा, मुंह में आंबुल भरे ज्यादा बोलते, इसलिए इन्होंने एक तराजू लाए। तराजू का एक तरफ में जितने सत्कर्म है, करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल कोई खोलते, करोड़ों करोड़ स्कूल कोई खोलते, कोई अर्ण छात्र खोलते, उसमें जितने पुण्य है विश्व ब्रह्मांड का जितने सत्कर्म का पुण्य का तराजू का एक तरफ में रखे, तराजू के दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा की महिमा को धरे। देखा जिधर ये भागवत महिमा को रखे वो पत्थर के पत्थर जैसे जमी रही और जितने सत्कर्म सबके सब हल्का होकर ऊपर गए, सबके सब हल्का हो गए। इसलिए श्री ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा को सामने आप जगत का कोई भी सत्कर्म को कोई भी पुण्य को आप कभी बराबर नहीं कर सकते। इसलिए श्री व्यास देव जी जब उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना की शांति थी और वह शांति नहीं मिली, व्यास स्वयं नारायण है लेकिन इनको शांति कब मिली? जब इन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा को लिखे तभी जीवन में शांति मिले। से क्या देते हैं, विश्व ब्रह्मांड का सारे पुराण को पढ़ लो, सारे ग्रंथ को पढ़ लो, लेकिन जब तक भैया भागवत नहीं सुनेंगे ना तब तक हमको शांति मिलने वाले नहीं है, शांति मिलने वाले नहीं। इसलिए श्री स्वयं व्यास देव भी ये चीज को मैंने अपना जीवन में उन्होंने शिक्षा दिया है। यहाँ आता है कथा कौन सुन सकता है, बोले पापी से पापी क्यों नहीं हो तब भी ये कथा सुन सकते हैं। केवल कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते 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 सब पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी और एक दिन तुम भगवान की भक्त बन जाओगे, केवल कथा सुनते सुनते बन जाओगे। दूसरे तरफ में कहते हैं अगर कोई बोले अरे ये सुनी सुनाई कथा कितना बार सुनेंगे, कोई गोकर्ण धुंधुकार की कथा होता है, भक्ति ज्ञान की कथा होती है, कैसे परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला, सुखदेव गोस्वामी आए कथा सुनाई, यही तो कथा होती है और क्या होता है। सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुने, आप लोग रोटी खाते हो, बहुत बहुत रोटी खाते हो, सब खाते हो, आप कितना, अगर एक दिन रोटी नहीं मिले ना, एक दिन अगर रोटी नहीं मिले बोले हाय रोटी हाय रोटी, दिन भर रोटी का मोह ही नहीं देखा, कहते कि नहीं। अरे भैया रोटी में इतना अगर आनंद आ सकता है तो भगवान की कथा में आनंद नहीं, भगवान में आनंद नहीं है, है कि नहीं? हाँ, इसलिए श्री हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना का धाई, कृष्ण कथा जय सोना का
तो गौर हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये समझो कथा में क्या रस उसको बताएंगे। आप बताओ हनुमान जैसे ज्ञानी कोई हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी कहते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी श्री हनुमान जी। शंकर जी से कोई ज्ञानी हो सकते हैं? सारे पुराण सुना है। ब्रह्मा जी से कोई ज्ञानी हो सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी से कोई ज्ञानी हो सकते हैं? कहीं भी कथा होना हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। कब आते हैं? ऐसे छोटी कहानी सुन लो, कथा कैसे सुननी चाहिए। तुलसीदास जी का नाम सुने जिन्होंने रामचरित मानस लिखे, वो जब शौचक्रिया में जाते थे कि लोटे में पानी ले जाते थे और शौचक्रिया के बाद में एक नीम का पेड़ की जड़ में पानी डालते थे, लेकिन वो वृक्ष में रहता था कि प्रेतात्मा कि जो भूत होते हैं वो कोई पवित्र पानी नहीं पी सकते, अपवित्र पानी पीते हैं। एक दिन भूत साक्षात प्रकट हो गया, बोले तुलसीदास जी आप जो पानी देते हैं ना वो पानी को पी पी करके मैं जीता हूँ। बोले मैंने कब पानी पिलाया? बोले शौचक्रिया के बाद में जो पानी बच जाती है अपवित्र है, मैं प्रेतात्मा पवित्र पानी नहीं पी सकता हूँ, तुम्हारी ये पानी को पी पी कर जीता हूँ, मेरे से कुछ वरदान मांगो। संत लोग बड़े चालाक हैं, वो जानते हैं अगर जीवन में प्रभु मिल गया ना जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। बोले राम लक्ष्मण को दर्शन करवा सकते हो? बोले अगर मैं तेरे को राम लक्ष्मण दर्शन करा सकता था तो ये प्रेत बनकर क्यों बैठा? पहले तो तेरी उधार हो जाती है। बोले मैं उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले तो अमुक स्थान पर जाओ, रोज वहाँ राम कथा होता है, देखना एक व्यक्ति कथा से सबसे पहले आएगा, सबसे पीछे हाथ जोड़कर बैठेगा, शरीर बड़ी रुग्म है, एकदम फटे 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 फूटे कपड़ा पहना हुए हुए, वो स्वयं से हनुमान लाल जी। जब कथा बड़े ध्यान से हाथ जोड़ करके आंसुओं को बहाते हुए गदगद होकर कथा सुनेगा, जब कथा विश्राम हो जाएगा, जब सब चले जाएंगे, है वो क्या करेंगे? ध्यान देकर सुनो क्या करनी चाहिए। सबसे पहले जो कथा सुन रहे थे उनको प्रणाम करेंगे, जो कथा बोलते हैं उनको प्रणाम करेंगे, जहाँ पर कथा होती है वो स्थान को प्रणाम करेंगे। क्यों? बोले जिस घर में ये भागवत कथा होना, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आकर बैठ जाते हैं। और जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में ये बैठी बैठी करके सबके सब स्नान कर लेते हैं, बैठ बैठ करके स्नान कर लेते हैं। और जहाँ पर कथा हो गए भृगुर वशिष्ठ पराशर च्यवनश्च गौतम, जितने ऋषि आकर के वहीं पर बैठते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया सबके सब वहीं पर आकर बैठते हैं, इसलिए वो स्थान को प्रणाम करके फिर वो जाएंगे। ये हनुमान जी एक काम करना, उनके चरण पकड़ लेना, लेकिन देख परीक्षा करेंगे, परीक्षा करके फिर चरण को छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं हनुमान जी, छोड़ना नहीं, बोला हमें राम लक्ष्मण का दर्शन कराओ, उनकी कृपा समझ जाएगी। सचमुच से देखा, सब कुछ देखा, और जब जा रहे थे ना एकदम चरण पकड़ लिए, हनुमान जी बोले छोड़ो छोड़ो मैं शूद्र हूँ तो अपवित्र हो गया, मेरे को चरण छोड़ लिया तो अपवित्र हो गया। बोले प्रभु मेरे को पता आप स्वयं हनुमान जी, आप स्वयं हनुमान जी प्रेत ने बताया। तब बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा दो। तो ये काम करो चित्रकूट के घाट पे भये संतन के लिए और तुलसीदास चंदन इसे तिलक भेद रहोगे, वहीं पर तेरे को दर्शन होगा। लेकिन तुलसीदास का एक नियम था, वो कभी सर उठा करके नहीं देखते थे। क्यों? बोले जो आंखें है ना चित्तने बदमाश, सारे इंद्रियों में सबसे दुष्ट होती आंखें। आप देखो जब ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए बैठो, देखना इन्हीं आंखों में जो जो देखा हुआ ना वही स्मरण होता है, वही स्मरण होता है ना। इसलिए हमारी संप्रदाय में के संत थे आंख ही फोड़ दिए, बोले करेगा बास हमें जी बांसुरी, ये आंख हर समय हमें गंदी रास्ता पर ले जाता है, आंख ही फोड़ दिए। इसलिए तुलसीदास जी क्या करते थे, हर समय अपना सर को नीचा करके चलते थे, क्योंकि आंखों में कोई गंदी चीज वजह से नहीं दिखे,
अब यदि स्मार्टफोन आदि आ गया, बच्चे अभी क्यों बिगड़ रहे हैं? इसलिए बिगड़ रहे हैं, ये स्मार्टफोन से बच्चे सारे बिगड़ रहे हैं, सारे को सारे उल्टा पुल्टा गंदी चीजों को देख करके इधर उधर बच्चे सब के सब भाग रहे हैं। इसलिए इसमें संत लोग भी बिगड़ जाते हैं। ये संत लोग भी इसको लेकर के ना तीन भर का हरिनाम भजन करना उसको तो एक चूल्हे पर रख दिए और तीन भर स्मार्टफोन लेकर पड़े। अरे भगवान की भक्ति करने आए हो, इतने जीवन दुर्लभ जीवन मिला है, हैं दुर्लभ जीव का भक्ति करनी चाहिए। एक एक श्वास नहीं, एक एक कोहिनूर हीरे, ये कोहिनूर हीरे हैं। करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास कोई वापस नहीं ला सकता, इतने ये दुर्लभ जीवन। भैया समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कभी सर उठा कर नहीं देखते थे, क्यों? ये आंखों में कोई गंदी चीज नहीं दिखे। भजन करने के लिए बैठेंगे तो वही चीज स्मरण आएगी, जो चीज वहां ऊपर से हम देखेंगे। इतने तुलसीदास चंदन दे रहे थे लेकिन सर को नीचे किए हुए थे। राम लक्ष्मण तो आए, उन्हें भी चंदन लगाया लेकिन दर्शन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आकर फिर हनुमान को पकड़े, बोले दर्शन नहीं हुए। अरे बोले प्रभु तो आए थे, तुमने दर्शन ही नहीं किया है। बोले अगर सर नीचा करोगे थोड़ी होगा, ऊंचा करना तो पड़ेगा। बोले मैं ऊंचा तो कर ही नहीं सकता। बोले ठीक है, कल मैं तेरे पीछे बैठूंगा। जब हनुमान जी आकर पीछे बैठ गए, तुलसीदास जी चंदन लगा रहे थे। जब राम लक्ष्मण आए ना, तो देखो देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, सर ऊपर करो। जब उन्हें सर ऊपर देखा, क्या उन्हें भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। राम लक्ष्मण के भी दर्शन हो गए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर देते हैं, श्रोता कैसे होनी चाहिए? हनुमान जैसे, ऐसे नहीं। कथा जब खत्म होते जा रही है तो आए, नहीं तो बीच में आए, नहीं तो प्रसाद का समय पर आए। प्रसाद अच्छी बात है लेकिन नियम है। आप बताओ, कहीं जब फिल्म देखने जाते हो बीच में जाते ना, लास्ट में जाते हो? सबसे पहले, सबसे पहले जाएंगे, लाइन लगेंगे, अरे पैसा देंगे, है ना, पैसा देंगे। अगर गलती से गलती फिल्म होगा ना, फिर लाख में खरीदी करके फिर तीन तीन घंटा बैठ करके बुद्धि को खराब करके सीधा नरक का रास्ता खाली करके आ जाए। और यहाँ पर तो भगवान की कथा में शांति आनंद है और भगवत कथा सुन करके जन्म मृत्यु से हमारे उद्धार होगा, ठीक है ना। इसलिए कथा सुनने के लिए कब आए? जल्दी आ जाए। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अकेले बताओ, एक एक व्यक्ति दस दस व्यक्तियों को लाओ। गुरु जी कहते थे, आप जिसको गंदा काम में लगाओगे ना, पाप लेना पड़ेगा, लेकिन अगर जिसको अच्छे काम लगाओगे उसका पुण्य भी आपको ही उसको पुण्य मिलेगा। गुरुदेव कहते थे, जिसको लाओगे उसको आधा पुण्य लाने वालों को मिलेगा। इसलिए कल कितने कितने भक्तों को लाओगे बोलो? दस दस को, दस दस नाम कम से दो तीन व्यक्ति तो लेकर के आओ, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के आओ। बोले कथा भी सुनेंगे, कथा भी सुनोगे और प्रसाद भी मिलेगा। इसमें जिसके भाग्य होगा वही आएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? कहते पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं। हम जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव सद्युतम पीवत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका। कहते हम लोग ये भागवत कथा नहीं, ये कल्प वृक्षों पर नीचे बैठे हैं। बोले कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले जो मांगो वही मिल जाएगा। इसलिए पद्म पुराण में बताए, जो सुखी उसे दुख, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जिसकी संतान नहीं उसको संतान प्रदान करता है। जो कुछ भागवत से मांगोगे ना, सात दिन आप देख लेना, सात दिन नियम से कथा सुनो, ऐसा नहीं बीच में आए लास्ट में आए, नियम से है। झगड़ा मत करना, झूठ मत कहा करो, साधारण बिस्तरा में रहो, है सच बोलो,
और सीधा साधा भोजन करो, उल्टा पुल्टा चीज मत खाओ, ठीक है। और नियम से अगर ये 7 दिन तक कोई कथा सुनेगा, आप देखना जो कुछ ये भागवत रूपी कल्पवृक्ष से प्रार्थना करेंगे, भागवत हमारी सारे इच्छाओं को पूरी कर देगी, सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। हमने देखा तो साधारण इच्छा जो जिनकी 25-25, 30-30, 35-35 साल दिन घर में बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुए, अगर वो कथा सुने ना उसको बाद में उनको संतान हुआ। वो कह रहे थे हमको, हम दुनिया में सारे काम हमने कर चुका लेकिन संतान नहीं, भागवत कृपा से मिली, भागवत कृपा से उनको मिली। साधारण वस्तु तो दे ही देते हैं लेकिन जगत में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवत, जो प्रेम है भगवत, जो प्राप्ति भक्ति दे करके ये जन्म मृत्यु का चक्र से भी भागवत हमें उधार करके भगवत धाम में भी ये हमें पहुंचा देती है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा को नित्य निरंतर इसको पान करते रहो, ये कथा को कभी छोड़ना नहीं। कहते अभी घोर कलयुग आ गया, ये कलयुग से दुखी होकर के सौनकाद ऋषि लोग पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोलिए घोर कलि से हमें बचेंगे कैसे। बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके देखता हूँ, ये जहाँ पर गिरेगा समझना वो स्थान पवित्र है, वहीं पर बैठ करके भजन करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1000 साल तक ये तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे लेकिन मन पर शांति नहीं मिल रही, उनकी हृदय तक भी जल गई। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए, अभी सुतो गोस्वामी को देख करके सौनकाद ऋषियों ने उनको आसन दे करके बैठाए। बोले हे सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास सब कुछ आप गुरु जी की कृपा से ही अपने अध्ययन किया है, यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो शास्त्र है ना, अगर कोई सोचे अपने आप पढ़ लिखे, हम क्या कम लिखा पढ़ा, हमने PhD करके के संस्कृति की, इसलिए हम अपने आप समझ लेंगे। यहाँ पर कहते भागवत अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं, इसे जगत में भी देख लेना। जैसे कोई कोई बच्चा पढ़ रहा है, PhD कर रहा है, तो CA कर रहा है, उसके पास एक पुस्तक है लेकिन कोई किसी एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में जाता है, जाता कि नहीं, जाता कि नहीं, इतना नहीं फिर हर महीना महीना कितना पैसा देता है, इतना नहीं पता नहीं कितना लाख रुपया कोर्स करने के लिए कितना लाख रुपया, जाता कि नहीं। बोले भैया तुम अपना घर में पढ़ लो ना। कहते तुम जब साधारण जगत का विद्या तो तुम अध्ययन नहीं कर सकते, वो जो परा विद्या जो अधम सज विद्या, वो जो दिव्य भगवान की भक्ति रूपी विद्या को तुम कैसे तुम जान सकते हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो गुरु भव निधि कर बिनो कोई, बिनो गुरु भव निधि कर बिनो कोई, बिनो गुरु भव निधि कर बिनो कोई, बिनो गुरु भव निधि कर संहार करने वाले कहते इसके बराबर भी कोई हो जाए अगर गुरु जी ग्रहण नहीं करे तो शास्त्र ग्रंथ को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोले हे श्री सुतो गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से समस्त वेद पुराण इतिहास को आपने अध्ययन किया है, आप कृपा करके बताओ ये कलयुग है। बोले कलयुग कैसे है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना,
सुमंद मत हो मंद भाग झुक दुता। ये कलयुग में भक्ति में बड़े बाधाएं, वैसे तो कलयुग में आयु बहुत कम है, सत्ययुग में 100,000 साल तक जीता रहते थे, इसलिए हजार हजार साल तपस्या करते थे। तृतीया युग आ गया तो वहां से एक सुनाटा दो हो गया 10,000। फिर द्वापर युग आ गया उसमें एक सुनाटा दो कितना होगा 1,000। फिर आ गया कलयुग, एक सुनाटा दो कितना हो जाएगा? अभी कोई 7 साल जीता रहते नहीं रहते, क्योंकि पहले खान पान शुद्ध रहता था, प्योर होता था। अभी आपको कोई भी खान पान सब हाइब्रिड देकर बनाते हैं और इतने उल्टा पुल्टा है, सार गंदी चीज देकर बनाते हैं, प्योर चीज है ही नहीं, स्ट्रेंथ है ही नहीं। फिर पहले क्या होता था, 25 साल तक गुरुकुल में जाते थे, गुरु गृह में अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य रखते थे। अब कोई ब्रह्मचर्य रखते नहीं, क्योंकि जो स्मार्ट फोन है ना, इतने बुद्धि को बिगाड़ने वाले हैं, तुम्हें ब्रह्मचर्य रहने ही देते थे। अब जो ब्रह्मचर्य ही शरीर का शक्ति है, यही शरीर को जान देने वाले ये ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो शरीर में जान कहाँ से आएगी, आ ही नहीं सकती शरीर में। इसलिए बोले कलयुग में प्राय करके अल्प आयु है, उसमें फिर मंदा सुमंत मत हो, जो मन इतने गंदा मन है, ये हर समय उल्टा पुल्टा रास्ता में जाता रहता है। खैर क्या है, बोले झुप दुर्गा। बोले झुप दुर्गा क्या है, जैसे आप माता है कथा में आई हो, 7 दिन तक कथा सुनोगे, अगर अच्छी लगेगी तो भगवान की भक्ति भी करोगे, भजन भी करोगे, माला भी जप करोगे। खैर अगर घर में भक्ति भजन माला जप किया पति लोग क्या कहेंगे, बोले किसकी चक्कर में पड़ गई है, अभी गला में घंटी माला तिलक क्या तुमने ले लिया। अगर भाइयों का आए तो अगर ये भी अगर भजन में लग जाए तो पतियां क्या पत्नियां क्या होगी, ले कोई काम धाम नहीं है, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो। अगर बच्चे अगर प्रभु की भक्ति में लग जाए, परिवार क्या बोलेंगे, ये कोई उम्र है तेरे को भजन करने का, क्या बोलेंगे, ये कोई उम्र है तेरे भजन, लेकिन सिगरेट घूमता है ना शराब के बदले, वेरी गुड बेटा बेटा मेरा एडवांस हो रहा है, सिगरेट घूम रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, मांस खा रहा है, लेकिन अगर प्रभु की भजन करे तो क्या बोलेंगे, ये कहीं तेरा उम्र है अभी से भजन करना शुरू कर दिया। मतलब जब कलयुग में भजन में जितने बाधाएं हैं, इसे उन्होंने फिर उन्होंने सोनकादरी से लोग सुतो गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किया है, और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर ये भागवत, ठीक है ना। आज मैं 6 प्रश्न बोलूंगा आपसे सुनूंगा, कल जो बोल देगा ना मैं इसको भी नाम दूंगा, ठीक है, अच्छा तरह सुनो। एक भी जो क्वेश्चन है ना, करोड़ों करोड़ों रुपया की एक एक क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी? आप देखो जीवन में हम क्या चाहते हो, शांति चाहते है ना। कल हमारे यहाँ पर जयपुर से बच्चा आया है राहुल है, कल ये इसी विषय पर बहुत अच्छा क्लास आपको देगा, हो सकता हो जितना आपका बच्चों का ना लेकर के आना, जो पढ़े लिखे क्लास 10 से जब ऊपर हो वो बड़ी बहुत अच्छी बात बताएगा। सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख का खोज, जीवन में हमें सुख शांति मिलेगा कैसे, देखना जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं एक ही उद्देश्य है, जीवन में शांति कैसे मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करो, शादी विवाह करो, घर मकान दुकान बनाओ, देखना एक ही भावना है जीवन में शांति कैसे मिलेगी। लेकिन ढूंढता है तो शांति, लेकिन सोचता है एक दुख है किस तरह से हल हो जाए शांति मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक दुख गई नहीं, दूसरे दुख पीछे खड़ी हुई, फिर सोचते हैं ये दूसरे दुख चले जाए जीवन में शांति मिलेगा, देखना दूसरे तो गया नहीं तीसरे पीछे खड़ी है कि नहीं। जैसे हाथी दलदल में फंस जाते हैं, जीवन में कभी जीव को शांति मिलती नहीं, लेकिन हम शांति मानते हैं किसको, बोले दुख का प्रतिकार को ही सुख मानते हैं, दुख का प्रतिकार को, अगर ये दुख जाएगी तो सुख मिलेगी। ऐसे करते 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 जीवन खत्म जीवन, लेकिन जीवन में सुख नहीं आई, केवल प्रतिकार को ही दुख सुख मानते गए। लेकिन इनका प्रश्न है कि आत्मा को शांति
ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है, अब इसका उत्तर भी सुने। दूसरा प्रश्न है वो लगे हुए है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या, मतलब क्या है? बोले जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं करे, भले ही जीवन में तुम जितनी कोशिश कर लो, कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के बोले नचंद्र से सुखम नास्ती। कोई सोचे स्वर्ग का इंद्र बन करके सुखी होगा, इंद्र को पूछ लो कितना बार स्वर बन गया, कितना बार जाकर कहीं भगे स्वर्ग छोड़ करके, कितने दुर्गति हुई कितने बार इंद्र को। कोई अगर थोड़ी सी यहाँ तपस्या करना शुरू कर देना, पहले तो इंद्र का आसन हिलने लग जाता सबसे पहले है। इसलिए न सुखम चक्रवर्ती ना, सोचे कोई चक्रवर्ती का राजा बन करके सुखी बन जाए, नहीं। हाँ मोदी को पूछ लो सुखी हो, सोचता होगा पता नहीं अगली बार इलेक्शन में आप है आम व्यक्ति आप तो चैन से थक के सो जाते हो, पता नहीं उनको नींद आती कि नहीं, समझ रहे हो? इसलिए कहते न सुखम चक्रवर्ती ना, इसलिए कहते कब भगवान प्राप्ति होगा, बोले जीवन में कृष्ण गीता में कहते हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात परम शांति। जीवन में तभी ये परम शांति मिलेगी, भगवान कहते हे अर्जुन जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आते हो, तब तक ये संसार की वस्तु कभी तुम्हें सुख दे ही नहीं सकती है। पर संसार में क्यों सुख नहीं मिलता है, देख कारण क्या देखो, बोले एक कोई एक माता जी, बूढ़ी माता जी थी, वो रास्ता में कोई चीज को ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति रास्ता में जा रहा था, एक घंटा बाद में आकर के देखा वो माता जी वहीं पर ढूंढ रही है। बोले माता जी तू एक घंटे से यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा मेरे कहीं सुई खो गई। बोले सुई कहाँ खो गई? बोले घर में। बोले घर में तो खो गई, फिर रोड में क्यों ढूंढ रही हो? ये रोड में क्यों ढूंढ रही हो? देखिए चीज को समझो, ये हम जो सुख ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? ये संसार में ढूंढ रहे हैं, शायद घर गृहस्थी करके सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुख कहाँ पर है? वो ठाकुर जी के चरण में, सुख तो ठाकुर के चरण में, वहां पर तो ढूंढना छोड़ दिया। लेकिन जहाँ सुख नहीं, आप जिसको प्रेम कर रहे हो, अगर वो स्वयं दुखी कर सुख कैसे दे सकते हैं? वो स्वयं दुखी संसार जिसको प्रेम करते हो, आप देखना पिता माता सुखी, लेकिन बच्चा बड़ा दुखी है, आप बताओ पिता माता सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए कहते जो अनित्य वस्तु में सुख हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। इसलिए दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की बड़े सुंदर सुंदर कथा सुना ठाकुर जी। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, उनके जितने अवतारों का भी कथा सुना, क्योंकि जब भगवान की कथा सुनेंगे ना, उसी में ही मन को शांति मिलेगी, उसी से ही मन को शांति। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठेंगे दो ढाई घंटा, देखना दो ढाई घंटा मन को चैन मिलेगी, लेकिन यहाँ से उठते सो बेचैन, सब बेचैन है। इसलिए कहते भगवान की कथा में ही शांति है। इसलिए जो पंचमा प्रश्न है बोले भगवान की अद्भुत जस की कथा सुनाओ, कैसे कृष्ण 7 दिन के थे, कैसे उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की, जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए कृष्ण कैसे रास रचाए, संत करोड़ों गोपियों को साथ में प्रभु कैसे रास किया, और भगवान की क्या अद्भुत जस है। अजामिल ने बेटा का नाम नारायण रख लिया था, बेटा का नाम नारायण, और अंतिम समय अपना बेटे को उसने नारायण नाम से पुकारा, इससे उद्धार हो गया। इसलिए भगवान की अद्भुत हमें जस की कथा सुनाओ। और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, फिर ये कलयुग में ये धर्म कहाँ पर आश्रय, उन्होंने ये 6 प्रश्न आश्रय लिया। ये भागवत में ही कलयुग में धर्म, ये कलयुग में भागवत में आश्रय ग्रहण किया है। जब उनने 6 प्रश्न की सुन करके इनका हृदय गदगद हो गया, बोले बाप कितने सुंदर तुमने प्रश्न की, जिसका उत्तर में केवल हरी चर्चा होगी,
भगवत चर्चा होगी, बड़े प्रसन्न होकर के बोले पहले मैं अपना गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, फिर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले बंदाओं को पाद पादो माँ पयागा, बंदा हो गोरो पाद पादो माँ पयागा, प्रतिहता
आप लोग बताओ तो पहला प्रश्न क्या था? जोर से बोलो, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए इसका उत्तर श्री स्वतो गोस्वामी कहते हैं, बोले तब भी आत्मा को तब भी पूर्ण रूप में शांति मिलेगी। संसार में तो शांति है तभी तो हम संसार में रहे। अगर दुख दुख होता तो सुसाइड कर लेते। एक व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब देखता है संसार से सब नफरत हो गए, कोई प्रेम नहीं करता है, होपलेस होता है ना, इसलिए तभी एक व्यक्ति सुसाइड करता है ना, तभी सुसाइड करता है। संसार में तो सुख शांति है, लेकिन ये माया बीच बीच में सुख शांति देती है। बोले क्यों देती है? बोले अगर बुरा दुख दूर देगा तो मरी जाए, इसलिए बीच बीच में सुख दे देती है, बीच बीच में सुख दे देती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं तत् प्रसादात् परम शांति, लेकिन ये परम शांति कैसे मिलेगी? शांति तो है, लेकिन ये शांति सुख परमानेंट कैसे रहेगी? कब भी जीवन में दुख आएगी नहीं, कब नहीं आएगी? बोले जब ये जीव भगवान के शरण में जाएगा। इसलिए कहते सभी पुंसान परो धर्म, बोले प्राणी मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्या धर्म है? भगवान को भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना ही यही जीव का परम धर्म। क्यों? और ये जीव कौन है? ये जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की ही औला, उसकी संतान है। इसलिए हम कहते ना तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविण, तुमेव तुमेव सर्वम। भगवान ही हमारी पिता माता, भगवान सब कुछ है, हम उनकी संतान है। इसलिए हमारे जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को भक्ति करना। आप बोलोगे अरे हम जो घर गृहस्थी कर रहे हैं, बल्कि ये तुम्हारी कर्तव्य, ये तुम्हारी धर्म नहीं, ये तुम्हारी कर्तव्य। मगर बैठ जाओ भैया, ऊपर बैठ जाओ। इसलिए ये तुम्हारी कर्तव्य, ये तुम्हारी धर्म नहीं है। हमारे धर्म तो भगवान को भक्ति करना है। क्यों डिस्टर्ब करो? इसलिए हमारी जो कर्तव्य है ये संसार करना, लेकिन जो भक्ति हमारी ये धर्म है भक्ति करना। आप देखो जैसे उदाहरण है, आप पानी को अगर डालो तो बताओ पानी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना, पहले नाली में मिलेगा, फिर नदी में, और देखना लास्ट में जाकर तो समुद्र में मिलेगा। बोले क्यों? बोले जो पानी आया कहाँ से? ये समुद्र से। एक मिट्टी का ढेला ऊपर छोड़ो, फेंको, किधर आएगी? नीचे आएगी। क्यों? इधर उधर क्यों नहीं जाएगा? वो अंश है ये पृथ्वी की, ये अंश पृथ्वी की। एक दिया जलाओ, उसका लो किधर जाएगी? ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों जाएगी? उसका जो मूल सोर्स ये सूरज है, सूरज ही ये मूल अग्नि है। तो उसी तरह बताओ, हम जीवन में सुख चाहते ना दुख चाहते? दुख कोई निमंत्रण देता है? जीवन में कोई दुख को नहीं चाहता, सुख चाहते। आप लोगों को बताओ क्यों सुख चाहते, दुख क्यों नहीं चाहते? बताओ क्यों नहीं दुख चाहते, सुख क्यों चाहते? क्योंकि जो भगवान की हम अंश है, जो भगवान कृष्ण ये आनंद स्वरूप है, ये रस स्वरूप, भगवान प्रेम स्वरूप है। बोले यो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत चित और आनंद स्वरूप है, और चूंकि हम उनकी संतान है, इसलिए भगवान का जो गुण हमारे अंदर है, इसलिए हर जीवन में हम सुख और शांति चाहते हैं। लेकिन कहते सुख शांति मिलेगा कब? जब हम ठाकुर की शरण में जाएंगे, तभी जीवन में शांति सुख मिल सकती है। इसलिए बोले आप बोलोगे भाई आप तो भक्ति कर रहे हैं, बताओ कौन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं? सभी करते हैं। घर शांति क्यों नहीं मिल रहा है? घर कर ही रहे तो विज्ञान यहाँ पर बता रहे, बोले दो उन्होंने उदाहरण देकर बताए, दो तरह से करनी चाहिए। पहला है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठाकुर के दरबार में गए, 10 रुपया की फूल की माला ने तब फल लेकर गए ठाकुर को चढ़ाया, लेकिन उसको साथ साथ में एक पर्ची भी होगा, वो पर्ची तो कम से कम 10 करोड़ की होगी। ठाकुर जी 10 रुपया का इसलिए फल हमने चढ़ाया
हमारी 10 मंजिल मकान बना दो, बेटी की शादी करा दो, बेटा का नौकरी लगा दो, हमारी घर एक गाड़ी दे दो। आप देखना वो कम से कम वो 10 करोड़ की वो पर्ची होगी, 10 करोड़ की। इसका मतलब हो गया ठाकुर जी, इसलिए आपका हमने 10 रुपया की चीज चढ़ाया, आप घर में आओ और नौकर बन कर हमारे घर में काम करो। ये भक्ति नहीं हुआ, भगवान की नौकर बना दिया। देखो जैसे एक व्यक्ति को देखने पर हर समय हम मानते हैं, हम ये दो मानते रहते हो, अगर वो व्यक्ति अगर सामने आएगा, अगर देखेगा तुमको ना रास्ता घुमा देगा, क्यों जाते ही मांगेगा मेरे को, वो जाते ही मांगता रहता है। उसी तरह अगर भगवान को मांगते मांगते रहोगे ना, फिर ठाकुर जी देख कर मंदिर छोड़ भाग जाएगा, क्योंकि इसको पास में जाते पर हमें मांगता रहता है, फिर उनको मांगने का जरूरत नहीं। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, हम थोड़ी साधु सन्यासी, हम तो स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत चाहिए, तब यहाँ पर कहते हैं भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। जैसे कि पिताजी की अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति पिताजी की, तुम इसके बेटे हो, अगर तुम पहले ही बोलना शुरू कर दे तो पिताजी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिखा दो, तभी तेरी सेवा करूंगा, नहीं तो सेवा नहीं करूंगा। पिता क्या करेगा, निकल जा, तेरे को कोई संपत्ति नहीं दूंगा। अगर तुम उसको अच्छे तरह से सेवा करते हो ना, पिताजी इतने कमा करके तेरे लिए रख करके जाएगा ना, कभी मेरे बेटे को कभी दुख नहीं आया, क्यों मेरे बेटा इतने सेवा है। इसलिए भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, उनकी सेवा करो, वो इतना देगा। आगे आप सुनोगे ध्रुव चरित्र पर सुनोगे, भगवान उसको इतना दिया, ठाकुर जी इतने दिया, नहीं मांगने पर भी सारे पृथ्वी के राज्य तो दे दिए उनके लिए, कि वैकुंठ ध्रुव को भगवान बना दिए। भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, उनकी भक्ति करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, ठीक है ना। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। दूसरी है भक्ति, दूसरे तरह का बताए भक्ति कैसे होनी चाहिए। बोले भक्ति निरंतर जमाई, निरंतर जमाई मतलब क्या, जैसे सहेतो कैसे डालो, आप देखोगे उसमें के धागा बन जाती है, धागा बन जाती है ना, क्या। तो भक्ति तुम्हारी कंटिन्यू 24 घंटा भक्ति होनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी कोई साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहे हैं, हमारा बीवी बच्चे दुनियादारी दुकान मकान है, दिन रात थोड़ी माला लेकर बैठेंगे। देखो ये चीज को समझो, माला लेकर बैठने का जरूरत नहीं। भागवत आप सुन रहे हो, ये भागवत में जितनी कथा आएगा ना सब गृहस्थी कथा है। आप बता प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज भी गृहस्थ थे, अम्बरीश महाराज भी गृहस्थ थे, परीक्षित महाराज भी गृहस्थ थे। देखना सारी गृहस्थी की कथा, गोपियां भी घर पे रहती थी, सबसे बड़े भक्त कृष्ण का सब घर पे रहती थी, घर छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान को साथ में जोड़ दो, भगवान के साथ में जोड़ दो, छोड़ने का जरूरत नहीं। इसलिए जो कुछ पैसा कमाते हो, पैसा के बगैर तो कुछ नहीं होगा। जैसे पैसा हमारे से बापू जी पैसा कमाए, कविता जी भागवत कथा हो रही ना, अगर ये पैसा नहीं कमाते कथा ही नहीं होती। लेकिन जो पैसा कमा रहे किसके लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। रसोई बनाओ बढ़िया बढ़िया, शाही पनीर बटर पनीर रोज बढ़िया, लेकिन खाना क्यों बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लो, घर किसके लिए है, भगवान की मंदिर है। बच्चे को प्यार दो, बच्चे किसने दिया, ठाकुर ने दिया। जैसे गोपियां सारे काम हाथों में करती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, लेकिन मुंह में ठाकुर जी का नाम लेती थी, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस हो गया यही भक्ति। भक्ति कोई पार थोड़ी है। देखो मेरे तरफ में भक्ति किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, बस यही भक्ति और कुछ नहीं। जो कुछ कर रहे हो भगवान के लिए करो, ठाकुर जी के लिए करो। बढ़िया कपड़ा पहना हो गए, क्यों, बोले बढ़िया कपड़े पहने के तब तो ठाकुर की सेवा करेंगे, ठीक है ना, तब तो भागवत कथा में जाएंगे। इसलिए हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो। इसलिए गोपियां हाथों में काम करती थी और मुंह में क्या बोलती थी, बोले गोविंद दामो धर्मान बेती, गोविंद दामो धर्मान बेती, गोविंद दामो धर्मान बेती, गोविंद
भगवान की सेवा मान कर करो और भगवान की नाम कर तेरे पास भक्ति हो गया और क्या इससे बढ़िया थोड़ी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। इनका जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया। जानते हैं कलयुग का जीव तपस्या कर ही नहीं सकते, यज्ञ कर ही नहीं सकते, तपस्या कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान बोले क्या करो कलयुग में, बोले कलयुग के बल ना माधारा, कलयुग के बल ना माधारा, कलयुग के बल ना कल्याण हो जाएगी। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् योगिनां नृपनिर्मितम् हरि नामाय कीर्तनम्। यहाँ पर बताए बोले हरिनाम को कौन करनी चाहिए, बोले तीन व्यक्तियों को करनी चाहिए। पहला नंबर बताए अगर कोई सोचे नहीं हम संसार में दुखों कष्ट पा रहे ना इसलिए हरि का नाम लेनी चाहिए, नहीं शंकर जी को देखो बोले पंचमुखे राम नाम कान त्रिपुरा, शंकर भी पंचमुख में हरि का नाम करते हैं। अब माता पार्वती को देखना आठ हाथ में एक हाथ में देखो माला पार रहे। हनुमान जी का नाम सुनते हो, सुनेंगे कि नहीं हनुमान जी की, वो दिन भर क्या गाते हैं रघुपति राघव राजा राम पति पावन, मीरा क्या गाती है भगवान के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो ये जितने मुक्त महापुरुष भी भगवान के नाम लेते हैं। आप तो गणेश जी का नाम सुने कि नहीं, कौन कौन गणेश जी का नाम जानते हो, सब जानते हो। आप देखना गणेश जी के अगर पूजा होता है सबसे पहले पूजा होता है ना, देखो क्यों होता है ध्यान देकर सुनो। अगर जगत में आप चाहते हो हमारी पूजा जगत में हो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इससे सीख्या ले लो। एक समय 33 करोड़ देवता बैठकर मीटिंग हुई, 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पहला पूजा किसकी हो, बोले पहला पूजा उसकी होगी ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहला जाएगा। अभी देखो भारत में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पार्टी है, भारत की बात छोड़ दो केवल दिल्ली में ही नहीं तो नोएडा में मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने पार्टी, कितने पैसा खर्चा करते, कितने लड़ाई झगड़ा है ना। लेकिन ये 33 करोड़ देवता में पहला पूजा होनी चाहिए। बोले जो ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ जाएगा, ब्रह्मा जी हंस वाहन पकड़े घूम चले, कार्तिक का वाहन कौन है मोर, कार्तिक मोर वाहन में बैठ कर को घूम चले, सब अपना अपना वाहन लेकर घूम चले। अभी गणेश जी का वाहन कौन है चूहा, अब ये चूहा को लेकर गणेश कहाँ जाए है? इतने में नारद जी आए बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले कोई चिंता मत करो लिखो राम का नाम नहीं तो कृष्ण का नाम लिखो, लिख करके उसको 3 बार परिक्रमा लगा, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। और भगवान को अंदर में ये अनंत कर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान के विद्यमान, तुम वो तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे, तुम्हारी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। बता नहीं कितने साल को बाद में सब आई फिर बैठी की हुई, बोले बताओ किसने परिक्रमा की पहले, किसने कहा नहीं नहीं, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया था, तुमने मेरे को देखा नहीं,
किसने बोला तेरे से पहले जब लड़ाई होना शुरू हो गई, इतने में गणेश जी बोले सब चुप बैठो, तुम तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिनों में परिक्रमा करके आ गई। मैंने एक ब्रह्मांड नहीं, मैंने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने तीन तीन बार मैंने परिक्रमा की, तीन तीन बार मैंने परिक्रमा की। बोले कैसे? बोले भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है और हरि से बड़ा हरि का नाम है। मैंने भगवान के नाम को लिखकर तीन बार परिक्रमा करी, गणेश जी की जय जयकार हो गई गणेश जी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसलिए गणेश जी की पहला पूजा होती है केवल भगवान के नाम की प्रभाव से। लेकिन अभी का जो यज्ञ स्टार है ना, तथा जगत में बड़ा बनना चाहते, बोले किया, बोले बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बने गए। सुशांत था ना हीरो, कहाँ गया? श्रीदेवी थी, अभी कहाँ है भैया? 10-20 साल के लिए कोई हीट होते उसके बाद फिर खत्म, इनको फिर दुनिया में कोई पूछने वाले नहीं होते हैं, है? कोई पूछने वाले नहीं होते हैं। लेकिन भैया हीरो बनना ना, हनुमान जैसे हीरो बनना। हनुमान कब आए थे? तृतीय युग में, लाख करोड़ साल पहले आए थे। ध्रुव प्रहलाद आए थे, भागवत में पढ़ोगे, सुन गए इनकी कथा। मीरा कब आई थी? देखो सारा दुनिया पूजा कर रही है कि नहीं, इनकी जैसे जगत में इसकी पूजा हो सकती है? गणेश जैसे जगत में पूजा हो सकती है? अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो एक बार भगवान की भक्त बन करके भगवान के नाम को लेकर के बड़ा हो जाओ ना भैया, जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारी पूजा होती रहेगी। इसलिए बॉलीवुड में हीरो हीरोइन नहीं के बन बनो, भगवान की भक्त बन करके। यहाँ पर भगवान ने प्रश्न कर रहे भक्तों को, राय रामानंद बोले प्रभु जगत में बहुत बड़े बड़े यश है, बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा यश किसकी है? भगवान खुद कहते हैं, बोले जो भगवान की भक्त एक बार बन जाए, जगत में सबसे बड़ा यश है जो ठाकुर का भक्त बन करके बड़े हो जाए। कहते पृथ्वी में और इससे बड़ा यश दुनिया में कुछ नहीं। जैसे भागवत पढ़ रहे सुने के ध्रुव प्रहलाद चरित्र, जब ये दुनिया ध्वंस हो जाएगा ना, जैसे प्रलय में कब खत्म हो जाती है, जब दो बार फिर सृष्टि होगा ना, फिर यही भागवत आएगा। पहले भागवत फिर आएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो। भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 भी रुपया नहीं, 1,000 मतलब 1,000 स्वर्ण मुद्रा हो। किसने बोला प्रभु 1,000 की बात छोड़ो 100 रुपया भी नहीं? किसने बोला प्रभु 100 की बात छोड़ो हमारे घर 50 रुपया भी नहीं? मतलब 50 जिसको सोने की मोहर हो, पहले हमारे घर में क्या भजन नहीं करोगे? फिर भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते। इसलिए मीरा कहती है
ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह भक्ति लूटे सो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो। अब मेरे तरफ पे देखो, अब लखपति कैसे बनोगे? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो? सब जानते हो ना? कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। हैं देखो लखपति कैसे बनोगे, जैसे ये माला है, माला लाए यहाँ पर कोई काम के लिए जाओ, इसलिए देखो ये माला है। इसलिए माला में कैसे लखपति बनोगे कि जो अंगुल है ना, कि अंगुल पर टच नहीं करते, क्योंकि गंदा अंगुल ये सबसे पहले की गंदा है। हम कहते हैं ना तेरे को हम देख लेंगे, ये बीच वाला अंगुल को पर रख करके जैसे हरी, आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया? 16 बार हो गया है। जब उसमें एक मोती सरका थी 16 बार, जब दो मोती सरका है 32, तीन मोती चार मोती 64 बार, जब यहाँ करते करते यहाँ खत्म हो जाए, कल माला ले आएंगे ये भक्त लोग भूल गए लाने में, जब यहाँ खत्म हो जाता है इसको पार नहीं करते इस्तेमाल लेते। अगर ऐसे 16 माला अगर किसी ने कर लिया, वो हिसाब से होता है 25,000 हो गया। अगर किसी ने 64 माला कर लिया ना, तो वो 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं कि तुमने 1,00,000 माला नहीं की, बोले 1,00,000 माला नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस डिपॉजिट हो गया। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़ा तो सवाल, आज अगर 1,00,000 किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000। और यही धन ही हमारी सब डिपॉजिट हो रही है, अंतिम समय में यही धन हमारी काम में आएगा। जब काफी बोले ना माला है, यहाँ से बड़े आनंद से जाएंगे, इसलिए हम लोग एक माला जप करके 5 मिनट लगेगा सबके सब। अब मेरे साथ में बोलो, कल एक एक माला ले आऊंगा, नहीं ला पाए हम लोग सबके सब मेरे साथ में बोलना। देखो यहाँ पर करके हम कितने होंगे, 2,250 भक्त लोग होंगे, माला तक एक करेंगे, लेकिन मिलेगा कितना, 250 माला करने का फल मिलेगा। बोले क्यों? सबके सब हरिनाम करेंगे, सबका आवाज सबकी कान में जाएगा जाएगा, तो सभी की कल्याण होगा, और इसकी आवाज जितने दूर तक तो मिलेगा। कहते ना मंगल भवन मंगल हरी, ठाकुर का नाम जितने दूर तक फैलेगा, दुख कष्ट दारिद्र सब कुछ दूर हो जाएगा, और मन को शांति मिलेगी। देखो ये हरि का मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, कृष्ण मतलब क्या है देखना, कभी कभी घर में सब कुछ लेकिन मन को शांति नहीं, त्रि मतलब आकर्षण करना, सना मतलब आनंद करना, जो कृष्ण नाम करेगा उसको मन को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, राम मतलब जीवन में आराम मिलेगा, भगवान के नाम से आराम सुख शांति सब कुछ ठाकुर का नाम से मिलेगा। ठीक है, सबके सब आंख बंद कर लो, समझना हम वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण में बैठे हैं। ठीक है, इसी भाव से आप लोग मेरे साथ में एक माला करेंगे, उसके बाद में जब मैं बंद कर दूंगा आप बंद कर देना, फिर आरती प्रसाद लेकर जाना, जो प्रसाद घर का जो मालिक उसको बुला दो, उसको घर का मालिक घर की जो अशोक इस जाता जो मालिक अशोक प्रभु अशोक नाम यहाँ पर है, अशोक जी है,
बापू जी उनको बुला के ले आओ, आप लोग मेरे साथ हरि नाम करो। बोले हरे कृष्ण क्यों करो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जो करेगा उसको पाप तो उठ जाएगी, जो नहीं करेगा सारे पाप उसको सर पर बैठ जाएगी। इसलिए ये मत समझो हम चुपचाप बैठे, नहीं चुपचाप बैठा बैठा करो, ठीक है? बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। ठीक है, विश्राम हो गया। हमारे पापू बाबू जी ये घर का मालिक है अशोक जी है? नहीं, अभी गए हैं वो कहीं।
कहाँ पे? कल उसको बोला नहीं, उनको पत्नी है? नहीं यहाँ पे नहीं आए। कल आने के लिए बोल रहे हैं। फिर निकलना कल ही लेंगे, ठीक है ना? जो कल जब आएंगे ना फिर पूछना। कल कल हरे कृष्णा। अभी हमारे प्रभु जी एक भजन गाएंगे, आरती की तैयारी करो भैया, आरती के लिए तैयारी करो, आरती एक भजन गाओ। बोले श्री राम राम की जय, बोले श्री वृंदावन हरि राम की जय। सभी पर खड़े हो जा, प्रभु जी भजन गाएंगे, नाचने वाले सब नाच लो, फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। श्री राधा Oh,
भगवत की माँ का आजा आपको सिलेंडर कौन सा सिलेंडर।